हम सॉकेट आयो पढ़ने के लिए, ये जो ट्विटर का फोल्डर है 13, इसका मैं क्या कर देता हूँ, एक अदद कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ चैट ऐप, ठीक है, और चैट ऐप डैश सॉकेट आयो। तो सबसे पहले इस ट्विटर की ऐप को मैं कन्वर्ट करूँगा एक चैट ऐप में। अच्छा, लॉग इन साइन अप वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो रहेंगे इसमें स्टिल, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हमारा जो ट्वीट का जो कलेक्शन था वो नहीं होगा इसके अंदर। इंस्टेड इसके अंदर एक मैसेजेस करके कलेक्शन होगा, जिसमें यूज़र एक दूसरे को जो मैसेजेस कर रहे होंगे वो हमें दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैसेजेस के अंदर जो हम प्राइमरी जो की रखेंगे वो यूज़र की आईडी को भी रख सकते हैं और उसके ईमेल को भी रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसको सबसे पहले मैं रीनेम कर देता हूँ, 14 चैट ऐप, सॉकेट आयो, सॉकेट डॉट आयो। रियल टाइम कंप्यूटिंग कहते हैं उसको फॉर्मली ना, ठीक है। जो मैंने नया फोल्डर बनाया उसको मैं कमिट कर देता हूँ पहले, ताकि जो भी चेंजेस करूँ वो अलग से दिख रही हो। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरे फ्रंट एंड से। मेरा जो फ्रंट एंड है और इसके अंदर ये SRC जो है, इसको अच्छा रन भी कर लेते हैं ताकि मुझे दिखता भी रहे क्या चल रहा है। मैंने कहा CD 14 टैब NPM रन डेव, जिससे मेरा ये सर्वर रन हो गया। और मैं क्या करूँगा, CD वेब NPM स्टार्ट, ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड रन हो गया। खुल जाए भाई आज की डेट में। अच्छा, तो हमारे पास जो हमारी लास्ट हम जो ट्विटर बना रहे थे उसमें ये लॉगिन का पेज था, साइन अप का पेज था, ऑल दो गे इसमें स्टाइलिंग कुछ ढंग से नहीं हुई भी, लेकिन और ये फॉरगेट पासवर्ड का पेज था, ठीक है, सेंड OTP वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी। तो ये तमाम पेजेस मेरे इस चैट ऐप में भी ऑब्वियसली रहेंगे। अच्छा, ये जो एक ऐप होगी ये ऐसी ऐप होगी कि जैसे ही इस पर लॉगिन करोगे आप, तो आपको डायरेक्ट जो एक स्क्रीन दिखेगी उसमें क्या होगा, जितने भी यूज़र्स हैं हमारे पास उन यूज़र्स की लिस्ट दिख जाएगी, सही है। अच्छा, और उनमें से आप किसी एक को भी मैसेज कर पाएंगे। अच्छा, आमतौर पर चैट ऐप में ऐसा नहीं होता है। चैट ऐप में आमतौर पर यह होता है कि आप कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें या हम किसी भी टेलीग्राम की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें तमाम यूज़र नज़र नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, कैसे नज़र आते हैं यूज़र, ठीक है, उसमें फ़ोन नंबर को आमतौर पे उन्होंने प्राइमरी की बनाया हुआ होता है, जिसके ज़रिए आप यूज़र को सर्च भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ईमेल को बना सकते हैं या हम मे बी बंदे का फ़ोन नंबर ले लें और उसको हम बना लें। तो अच्छा, फ़ोन नंबर से हमें साइन अप करने के लिए OTP भेज के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो और बहुत ही सिंपलेस्ट वे ये होगा कि हम तमाम यूज़र सामने दिखा दें, ठीक है, टू कीप इट सिंपल। अदरवाइज़ अगर हम ये वाला काम करना चाहें कि शुरू में कोई भी यूज़र नज़र ना आ रहा हो और मैं क्रिएट का बटन दबाऊँ और मेरे पास क्या आ जाए, क्रिएट का बटन दबाते ही मेरे पास एक सर्च बॉक्स आ जाए जिसमें मैं यूज़र का नाम लिख के सर्च कर सकूँ, ठीक है, तो इट ऑल्सो गोना वर्क। स्काइप में ये काम होता है, स्काइप में जब आप खोलते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता और उसमें साइड में एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप क्या करते हैं, यूज़र का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो जितने भी उस नाम से यूज़र होते हैं ना वो लिस्ट आ जाती है उनकी। तो अल्टीमेटली वो भी यही कर रहे होते हैं कि वो तमाम यूज़र दिखा देते हैं, सही है, लेकिन सर्च बॉक्स के अंडर में, क्योंकि उनके पास यूज़र भी ज़ाहिर है मिलियंस के हिसाब से हो सकते हैं। हमारी एक केस में जो है वो 2, 4 या 5 यूज़र होंगे, तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही 10-12 यूज़र लोड कर देंगे और मे बी हम एक सर्च बॉक्स बना देंगे और उस पर क्लिक करके किसी को भी आप मैसेज कर पाएंगे, ठीक है, इवन दो कि आप अपने आप को भी मैसेज कर पाएंगे। व्हाट्सएप में भी अब ये हो गया है कि अपने आप को आप मैसेज
कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मैसेजिंग की ऐप्स हैं उसमें ये वाला फीचर भी अब आ चुका है कि आप अपने आप को मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने स्क्रीन डिसाइड कर ली। सबसे पहली स्क्रीन हमारी होगी जिसको हम डैशबोर्ड बोल सकते हैं या होम पेज बोल सकते हैं। उसमें तमाम यूज़र की एक लिस्ट आ रही होगी और आइडियली उसमें एक सर्च बॉक्स आ रहा होगा जिसपे मैं सर्च बॉक्स पे नाम लिख के एंटर करूँ तो मुझे सिर्फ वो वाला यूज़र दिख जाए, इंस्टेड ऑफ के वो मुझे तमाम यूज़र दिखा रहा हो। अच्छा, तो लॉग इन कर लेते हैं इसके ऊपर। हमारे पास जो होम पेज है इस वक्त वो कुछ इस तरह का है। तो मुझे ये कंपोनेंट तो ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए, प्रोफाइल का कंपोनेंट भी मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। या मे भी मुझे चाहिए प्रोफाइल का, बट प्रोफाइल के कंपोनेंट के नीचे जो चीज़ें आ रही हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। चेंज पासवर्ड क्योंकि प्रोफाइल से ही होता है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोफाइल से ये नीचे वाली चीज़ें हटा देता हूँ। कंपोनेंट और मैं गया प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स और सॉरी नहीं, न्यू प्रोजेक्ट मैं इसलिए नहीं बना रहा कि हमारा वो लॉग इन साइनअप वाइनअप सब इसमें हुआ है ना, ठीक है। ये फॉर्म जहाँ से बना हुआ है ना, यहाँ से नीचे की चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंने इसमें से हटा दिया, ठीक है। अबे हो जा गायब, सही है। तो यहाँ से भी गायब हो गया। तो ट्वीट वाली कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं रखना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर भी बंदा अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा होगा। मैसेजेस जो आना जाना हो रहा है जो, तो उसमें ऑब्वियसली प्रोफाइल पिक्चर होती है, मैसेज के अंदर नाम होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से बंदा चेंज कर रहा होगा। अब होम पे जाते हैं हम। होम पे मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है होम पे मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ जी होम पे, और होम पे जाके ये जो एडिट और डिलीट और ये जो सारे फंक्शंस हैं ना, इन सब की मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। या मे बी मैं इस होम को हटा के ना एक मैसेजेस करके एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ जिसको मैं होम डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। ये कंपोनेंट रहेगा बट वो यूज़ नहीं हो रहा होगा एक्चुअली। तो हाँ, ये ज़्यादा सही रहेगा कि मैं होम डॉट जे एस एक्स की एक कॉपी बना लूँ और इसको मैं बोल दूँ मैसेजेस डॉट मैसेजेस नहीं, क्या बोलूँगा इसको मैं, नहीं वो जहाँ पे सारे यूज़र दिख रहे होंगे, सर्च सर्च यूज़र मैसेजेस होम, हाँ भाई क्या नाम रखा जाए इसका, यूज़र लिस्ट रख देते हैं, सही कहा तुमने, सही है। यूज़र लिस्ट इसका नाम होगा, बहुत ही सिंपल सा एक नाम होगा इसका, ठीक है जी। सही है, ट्वीट लोड ट्वीट वगैरह ये इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रीव्यू वगैरह भी मुझे नहीं चाहिए, ये उसी में से आ रहा है एक्चुअली सारा, क्योंकि मैंने होम की ही कॉपी बनाई है। यूज़ इफेक्ट मुझे चाहिए होगा, गेट ऑल ट्वीट करके जो मैंने किया हुआ, सही है। फॉर्मिक वगैरह ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये यूज़ इफेक्ट मुझे चाहिए होगा क्योंकि शुरू में मैं क्या करूँगा, कुछ यूज़र्स लोड करवाऊँगा इसके अंदर कि कौन कौन से यूज़र मौजूद हैं, ठीक है। ये सबमिट का फॉर्म वॉर्म ये सब मुझे नहीं चाहिए। इनफाइनाइट स्क्रॉल की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ पर भला, जहाँ पे मैं इनबॉक्स होगा ना यूज़र का, वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, तो ये मैंने ये कर दिया और मैं इसको एज अ होम पेज डिक्लेयर कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट सॉरी ऐप डॉट जे एस एक्स में गया और यहाँ पे जो स्लैश के पेज पे जो खुलता था ना, स्लैश के पेज पे जो खुलता था वो इस वक्त पहले था होम, और अब मैं इसको क्या नाम दे दूँगा कि क्या है ये, यूज़र लिस्ट का इसको नाम दे दूँगा। और ऊपर ये इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ यूज़र लिस्ट, तो मैं इसको इम्पोर्ट भी कर दूँगा, ठीक है। यूज़र लिस्ट फ्रॉम यूज़र लिस्ट, सही है। जो जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही उसको मैं ऊपर से हटा भी सकता हूँ, सही है। जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी उसको मैंने हटा दिया,
अच्छा यूजर लिस्ट भी हट गया। यूजर लिस्ट नीचे यूज होता रहे, अभी तो मैंने लगाया ये रहा ना यूजर लिस्ट, यूजर का यू बड़ा है। अच्छा यू बड़ा रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको पकड़ता नहीं है, फिर यू जब बड़ा रखना पड़ेगा उन्हें सही है, अदरवाइज वो उसको कहता है कि यार कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर बड़ा वाला हिसाब के बाद। अच्छा जी अब यूजर लिस्ट पे जाके मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, सर्च यूजर टू स्टार्ट चैट, राइट। और मैंने कहा कि ये तमाम का तमाम जो आइटम है ये एक अदद H1 में होगा, और H1 के नीचे मैं क्या बना दूंगा, एक अदद फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक अदद इनपुट होगा, इनपुट की टाइप क्या होगी, सर्च होगी, सही है सर्च होगी, और ऑब्वियसली एक स्टेट बनी भी होगी। मैंने कहा कॉन्स्ट सर्च टर्म, जो भी टर्म बंदे ने लिखी है सर्च की, और यहाँ पे मैं सेट सर्च टर्म इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में ये सर्च टर्म जो होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, और मैं कहूँगा कि यार जैसे ही बंदा यहाँ पे कुछ बात लिखे ऑन चेंज के ऊपर, यहाँ पे इवेंट मिलेगा, और यहाँ पे आके आप करोगे कि सेट सर्च टर्म इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या था वैल्यू, सही है ये उधर मैं सेट करवाता जाऊँगा, और साथ साथ ही मैं क्या करूँगा सर्च का यहाँ पे जो है ना बटन बना दूँगा एक, ठीक है, कि बंदा लिख के यहाँ पे ना सर्च कर ले नाम बंदे का, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे नाम करवाने के बाद जो भी यूज़र्स आएंगे वो ज़ाहिर है एक यहाँ पे आके एक स्टेट होगा यूज़र्स, तो मैंने कहा भाई यूज़र्स के ऊपर ना आप क्या करा दोगे, एक मैप चला दोगे यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप, ईच यूज़र, सही है, और ये एक डिव बना हुआ होगा ईच यूज़र। अरे भाई क्या है ये, और H2 में यूज़र का नाम आ रहा होगा ईच यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, सही है फर्स्ट नेम, और उसके बाद ईच यूज़र डॉट लास्ट नेम, ठीक है ये दो नाम यहाँ पे आ गए कि जो भी इसका नाम है। साथ में हमें इस पर एक बना देंगे कि इस बंदे की ईमेल क्या है, ये डॉलर मैंने क्यों लगा दिया है, ईच यूज़र डॉट ईमेल, सही है नीचे ईमेल लिखी भी आ जाएगी, और ये कब ज्वाइन हुआ है मे बी हम वो यहाँ पे लिख कर दे दें, ठीक है, ऑनलाइन स्टेटस वगैरह एक्स वाई जेड काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल सा यहाँ पे यूज़र बना दिया, इसमें मुझे की देनी पड़ेगी ताकि ये एरर ना दे की का, इंडेक्स इंडेक्स। तो ये मेरा जो सर्च का पेज था एक्चुअली वो क्या हो गया, फंक्शनैलिटी वाइज ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इसके ऊपर जब बंदा क्लिक करेगा, कोई भी बंदा जब इसके ऊपर जब क्लिक करेगा तो उसको मुझे कहाँ लेके जाना है, इनबॉक्स में लेके जाना है। अच्छा लेकिन उससे पहले मैं इस पेज के जो सर्वर की APIs है वो ज़रा लिखना चाहूँगा। अच्छा सर्वर की APIs लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें टाइप सबमिट नहीं लगाया मैंने,
सर्वर की एपीआई लिखने के लिए मुझे इस पे ऑन सबमिट बनाना होगा कि भाई जब सर्च करके बंदा सबमिट का बटन दबाए तो क्या चले, गेट यूजर्स, ठीक है, ये एक फंक्शन होगा गेट यूजर्स, और ये ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बनाऊंगा। मैंने कहा कि कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल्स टू अ फंक्शन, ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन चलने के बाद क्या करेगा, जो तमाम यूज़र उसको गेट करके लाएगा। एक्चुअली होम पे हम ये काम कर चुके हैं, ये ना गेट ऑल ट्वीट्स वाला काम, तो एक्चुअली वो यही वाला काम हो रहा होगा। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, तो यही वाला काम एक्चुअली गेट ऑल यूज़र वाला ही काम हो रहा होगा। मैं कहूँगा भाई एक्सियोस डॉट गेट स्टेट डॉट बेस यू आर एल, बेस यू आर एल हमारा सेट है पहले से जो पिछली ऐप में हमने किया हुआ था। अब ये ट्वीट फीड की जगह मैं क्या करूँगा, यूज़र्स, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र आएंगे तो इसलिए यूज़र्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, और साथ में मैं क्या भेजूँगा, इसके सर्च की टर्म मैं इसके साथ भेजूँगा, जो कि मैं बॉडी में भी भेज सकता हूँ ऑब्वियसली, बट ये गेट की रिक्वेस्ट है, तो गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी भेजना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, सही है, गेट की रिक्वेस्ट में आपको बॉडी नहीं भेजनी होती है। तो यूज़र्स लिखूँगा मैं, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, क्यू इक्वल्स टू, यानी क्वेरी भेज रहा हूँ ना मैं सर्च टर्म, तो क्यू इक्वल्स टू करके वो सर्च की जो भी टर्म है ना वो भेज दूंगा मैं। यूज़र्स, हाँ यहाँ पे एम टी एरे आएगा, यहाँ पे एम टी एरे आएगा, राइट, सेमी कॉलन लगा दूँ तो ठीक है, ना लगाऊँ तो भी मसला नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई यार स्लैश यूज़र्स आप कॉल करो, ठीक है, और सर्च की टर्म जो भी बंदे ने लिखी हुई है वो यहाँ से भेज दो। अब उस सर्च टर्म पे जो भी यूज़र के नाम मैच हो रहे होंगे वो हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम फुल टेक्स्ट सर्च कोशिश करेंगे लगाने की। अच्छा, अब उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी आता है हमारे पास, तो अच्छा ये कंडीशन लगी हुई थी, ये मुझे नहीं लगानी। जो भी रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आता है मेरे पास, मैं उसको क्या करूँगा, सेट यूज़र पे सीधा सीधा सेट करवा दूँगा, सही है, सेट यूज़र पे सीधा सीधा मैंने उसको रखवा देना है। इसमें रिस्पॉन्स डॉट डॉट डेटा, और सीधा सीधा मैं क्योंकि वहाँ से एरे भेज रहा हूँ तो एक दफ़ा डॉट डेटा लगाना मेरे लिए काफ़ी होगा। अब मे बी ये डेटा जो आए खाली एरे आ जाए, मे बी, सही है, खाली एरे आएगा तो वो नीचे कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। तो मैंने बोला भाई जो भी आ रहा है ना इस सर्च टर्म को लेके, जो भी यूज़र मिलता है सर्वर से वो अपने ला के इसमें सेट करवा देना है। अच्छा, और मैं नीचे साथ में ये भी यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर यहाँ पे, सही है, एक यहाँ पे नीचे अलग से मैं लगाता हूँ, मैं कहूँगा कि यार टर्नरी ऑपरेटर लगाओ। मैंने कहा यूज़र्स डॉट लेंथ अगर इक्वल्स इक्वल्स हो जाए ज़ीरो के, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे बता देना है कि नो यूज़र्स फाउंड, ठीक है, पहली मरतबा ये लिखा हुआ होगा नो यूज़र्स, पहली दफ़ा ये ऐसे लिखा हुआ होगा, सही है। या मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं शुरू में नल रखवा दूँ, सही है, शुरू में इसको मैं नल रखवा दूँ, ऐसा भी किया जा सकता है। जो दोस्त ने कहा कि यार ये तो शुरू में लिखा आएगा नो यूज़र फाउंड, हालांकि वो शुरू में 10 रैंडम 10 यूज़र में उठा के लाऊंगा, तो उससे बचने के लिए मैंने शुरू में उसको नल रखवा दिया, तो नल के ऊपर डॉट लेंथ मिलेगी नहीं, नल की डॉट लेंथ अनडिफाइन होती है, और मैंने इस पर नलिश ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज़ डॉट लेंथ अगर मैं नल पर लगाऊंगा वो एरर दे देगा वैसे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मुझे एक अदर टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि भाई इफ़ यूज़र्स डॉट लेंथ, अगर यूज़र की लेंथ हो, ठीक है, तो ये वाला काम करे, अदरवाइज़ ये काम ना किया जाए। लगा सकते हैं बिल्कुल, वो भी यही काम करेगा, एक मिनट, वो क्या ये काम करेगा, हाँ करेगा, सही है, तो गुड इनफ है अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो उससे क्या होगा, अच्छा फिर मुझे एक तीसरी कंडीशन भी लगानी होगी कि नल के केस में क्या करें, तो एक मैं तीसरी कंडीशन लगा दूंगा कि भाई यूज़र इक्वल्स इक्वल्स अगर हो ना नल के, तो क्या लिखा हुआ जाए, लोडिंग। तो मैं जब शुरू में जब आऊँगा यहाँ पे तो लोडिंग लिखा हुआ आना चाहिए, तो
लाइन नंबर 20 क्या नहीं लगाया? अच्छा ये सिंक ठीक है, अभी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे तो लोडिंग लिखा हुआ आएगा, अगर रिस्पांस आता है तो वो रिस्पांस या तो डिस्प्ले हो जाएगा, रिस्पांस में या तो यूज़र आएंगे या तो एम्प्टी एरे आएगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अगर इसमें कैच आता है, अगर कैच पे हिट होता है तो कैच पे भी मैं मे भी ये कर सकता हूँ कि यूज़र डॉट इस पर ना एम्प्टी एरे सेट करवा दूँगा, ताकि अगर एरर आ जाता है तो वो लोडिंग गायब हो जाए, वहाँ से लोडिंग गायब हो जाए, लिखा हुआ जाए नो यूज़र फाउंड। या मे बी यहाँ पे मैं कुछ दूसरा काम करना चाहूँ कि यार एरर यूज़र को बता दूँ कि यार एरर हो गया, तो मुझे इसके लिए एक तीसरी कंडीशन लगानी होगी कि इफ़ मे बी यहाँ पे मैं एरर करके स्टेट बना दूँ और उसमें कुछ चीज़ रखवा दूँ, तो मैं तीसरी एक कंडीशन लगा दूँगा कि यार अगर एरर हो चुका है तो वो ये एरर का मैसेज डिस्प्ले करवा। वेल अब ये गार्निशिंग वाली चीज़ें, फंक्शनैलिटी वाली चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। अच्छा तो एक API मुझे क्या चाहिए कि गेट यूज़र हो जाए सीधा सीधा, और एक API मुझे चाहिए कि सर्च टर्म के साथ वो उसको सर्च करके लेकर आ जाए। अच्छा तो एक तो गेट यूज़र में मैंने क्यू के साथ दिए इसको। अच्छा यही सेम गेट यूज़र्स वाला फंक्शन ना मैं यूज़ इफेक्ट में एक दफ़ा कॉल करवा दूँगा, ठीक है वैसे ही। अच्छा ऐसे इसको करने से क्या होगा, मैं सर्वर पर यह कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर क्यू का पैरामीटर नहीं भेजा गया है, सही है, तो रैंडम 10 यूज़र ला दो, अगर क्यू का पैरामीटर भेजा गया है तो फिर उस सर्च टर्म से सर्च करके लेकर आओ, ठीक है। तो सर्वर पे मैं ये कंडीशन लगा के इसको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो फिर हम आ जाते हैं इसमें, अभी तक किस किस्म का कोई एरर, बहुत सारे एरर हैं ये तो भाई। यूज़र डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, नहीं भाई वो क्वेश्चन मार्क तो काम नहीं कर रहा, एरे बनाना पड़ेगा उसको। नहीं इसके ऊपर मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा एक्चुअली कि इफ़ यूज़र्स डॉट लेंथ अगर ये हो, ठीक है ना, तो ही आपने ये वाला काम करना है। अगर दो ऐसे करके यूज़र्स और एंड एंड ऐसे भी हो जाएगा, डॉट लेंथ के साथ कैसे मतलब? नहीं वो एम्प्टी एरे नहीं, असल में वो मेथड उस पर लगा रहा है डायरेक्ट, तो नहीं ये इस तरह जो एंड एंड यूज होता है ना ये पहले यूजर्स को देखेगा, अगर यूजर्स ट्रू होगा ट्रूथी एम्प्टी एरे ट्रू है, यस ट्रूथी वैल्यू है, ट्रू नहीं है ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है। और मैं साथ में एक और भी लगा देता हूँ एंड यूजर्स डॉट लेंथ, अब यूज़र डॉट लेंथ में मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तो यहाँ पे ये होपफुली ये चल जाएगा, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइन नंबर 43 पे ही है ना ये, अरे यार लाइन नंबर 43 कहाँ है, 43 तो ये है। खैर चलो इज्जत के साथ इसमें हम ना वो टर्नरी ऑपरेटर एक लगा देते हैं, बिला वजह इसके साथ हम वो कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई यूज़र्स डॉट लेंथ अगर है तो क्वेश्चन मार्क पे ये काम करो और अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी ना करो, ठीक है। इस पर भी मैं एक नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अरे भाई क्या हो गया इसको, अब क्या मसला है इसको यार। अच्छा 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 मेथड के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क, ओके गॉट इट। ये असल में हो रहा ही है कि रिस्पॉन्स में ना कोई वेब पेज मिल रहा है पूरा इसको, वो एक्चुअली पहली दफ़ा में जब उसको मैं खोल रहा हूँ ना, जब पहली दफ़ा में उसको जब मैं हिट कर रहा हूँ तो वो 404 है, तो 404 पे ना एक पूरा पेज बना के दे रहा है वो समहाउ। हाँ ये जो ना एक काइंड ऑफ मुझे HTML का पेज दे रहा है, तो रिस्पॉन्स को क्योंकि मैंने सेट करवाया हुआ है कहाँ पे भला, सेट यूज़र्स पर सेट करवाया हुआ है, तो एक्चुअली वो क्या बन जा रहा है,
वो एक स्ट्रिंग बन जा रहा है मे बी बजाय एरे के। तो यूजर्स डॉट लेंथ तो लेकिन फिर भी नहीं चलना चाहिए, अगर यूजर्स पर डॉट लेंथ मिले ना, अरे स्ट्रिंग पे लेंथ मिल जाती है, स्ट्रिंग पे लेंथ मिल जाती है जब ये ट्रू हो रहा है ना, स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ मिल जाती है जब ही तो वो ट्रू हो रहा है। अब इसका हम और क्या हल निकालें, नहीं वैसे तो अल्टीमेटली ऐसा होगा नहीं, ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना लाइन नंबर 25 में जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस जगह पे, तो ये रिस्पॉन्स जो है वो एक HTML है। वेल जैसे ही हम अभी APIs बनाएंगे तो ये मसला ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंट एंड का काम था इस पेज का वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमने जाके जस्ट सर्वर पे APIs बनानी है, तो मैंने कहा कि यूज़र्स के नाम से बनेगी API, तो चलते हैं लेके भैया हम इसको। अब मेरे पास ये सर्वर आ गया, अब सर्वर पे आके मैंने क्या किया, अच्छा गेट यूज़र मेरे पास एक यहाँ पे बना हुआ है, ये किस लिए बनाया था हमने, अच्छा प्रोफाइल पेज के लिए बनाया था, ठीक है। अच्छा प्रोफाइल पेज के लिए जो बनाया था ना वो हमारी अलग APIs होंगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसका पर्पस अलग था, वो बंदा खुद अपनी प्रोफाइल गेट कर रहा था या किसी और की प्रोफाइल गेट कर रहा था और वो सिंगल के लिए था। अभी हमें तमाम यूज़र्स के लिए एक्चुअली करना है ये काम, तो मैं कहूँगा कि ऐप डॉट गेट, और ये मैंने कहा कि स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूज़र्स, और इसके बाद मैं क्या करूँगा एक अदद यहाँ पे फंक्शन बना दूँगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, सही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाऊँगा कि भाई कॉन्स्ट क्यू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू, है ना, यही भेजा था मैंने वहाँ पे। अच्छा और फिर मैं करूँगा कि इफ़ क्यू, सही है, अगर क्यू मौजूद है तो मैं कुछ और काम करूँगा, एल्स मैं कुछ और काम करूँगा। अच्छा ये मैं करूँगा क्या, असल में ये मैं दो डिफरेंट क्वेरीज बनाऊँगा, ठीक है। दो डिफरेंट क्वेरीज मैं कैसे बनाऊँगा, मैंने कहा लेट क्वेरी, सही है, ऊपर एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और मैंने कहा कि इफ़ अगर ये क्यू मौजूद है ना अगर, तो आपने क्या करना है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड, सही है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड करके मैंने फ़िल्टर लगाना है, और फिल्टर में मैंने कहा कि भाई क्यू जो है ना वो इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, फर्स्ट नेम के, सॉरी फर्स्ट नेम जो होना चाहिए वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, सही है, तो वो बंदा उठा के लाना है हमने, सही हो गया। तो ठीक है फर्स्ट नेम से फ़िलहाल हम सर्च करवा रहे हैं। अच्छा इसको मैं ईमेल से भी करवा सकता हूँ और किसी और चीज़ से भी करवा सकता हूँ, और मैं कहता हूँ लेट क्वेरी जो भी था ना क्वेरी में ये रखवा दिया मैंने। अच्छा जब तक मैं डॉट एग्जिट कॉल नहीं करूँगा ये चलाएगा नहीं ऑब्वियसली उसको। अच्छा डॉट लिमिट भी कर दूँगा मैं कि लिमिट कितने करने हैं भाई, 10 यूज़र लेकर आ जाए, ठीक है 10 से ज़्यादा ना लाए, तो जो भी उसको शुरू के 10 यूज़र मिलेंगे वो लेकर आएगा। बल्कि नहीं शायद मुझे अभी लिमिट नहीं लगानी चाहिए क्योंकि फिर लिमिट अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो फिर मैं फ्रंट एंड पे पेजिनेशन का पूरा सेटअप करना होगा, तो उसको मैं नहीं लगाता। जो गेट ऑल करेंगे ना उस पर लगा देंगे हम लिमिट कि भाई वो शुरू में जो लोड करे वो सारे के सारे उठा कर ना ले। अच्छा इस पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ क्वेरी मेरी डिफरेंट होगी, फाइंड करके मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाई इसके ऊपर, यानी सारे उठा के लाएगा, और डॉट लिमिट लगा दिया मैंने कि भाई चलो 20 यूज़र ले आएगा, ठीक है 20 तो वैसे हैं भी नहीं हमारे पास, तो 20 यूज़र, तो ये मैंने इसको कंडीशनल बना दिया। अच्छा इस पॉइंट पे ना मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड फुल टेक्स्ट सर्च। अब फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है, जैसे गूगल सर्च पर आप कोई बात लिखते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है, या आप OLX पे जाते हैं कोई एड सर्च करते हैं आप, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी अगर OLX खोल के मैं इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि अरे भाई नहीं नहीं Redmi, अबे भाई क्या आ रहा है बार बार, कितने पूछेगा मुझसे सवाल, Redmi A1 Plus,
सही है। देखो मैंने सर्च टर्म क्या लिखी है, ए वन प्लस, और एंटर किया मैंने। अब नोट करो कि इस जुमले के शुरू में ए वन प्लस नहीं था, दरमियान में था, इसके लास्ट में था, ठीक है। इसमें ए वन प्लस बिल्कुल ही अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी उसको लेकर आ जाता है, ठीक है। इस तरह जब हम सर्च कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, यानी इस तरह के सर्च बार को, यहाँ पे जो सर्च की टर्म लिख रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे ढूंढ के लानी है, या कोई यूज़र्स हैं उसको मुझे ढूंढ के लाना है, तो इसमें जो पीछे चीज़ परफॉर्म की जाती है उसको हम फुल टेक्स्ट सर्च कहते हैं। अब फुल टेक्स्ट सर्च को हम पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि हम थोड़ा सा देख लें इसको कि क्या चक्कर है, ठीक है। वो तो सजेशन तो खैर अलग चीज़ है वो। अभी ये किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बेस्ट वे टू परफॉर्म फुल टेक्स्ट सर्च इन मोंगो डी बी एंड मोंगोस। अब इसका सवाल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आई एम सर्चिंग ऑन गूगल सिंस डेज एंड आई हैव ट्राइड मैनी थिंग्स बट स्टिल कैन नॉट परफॉर्म अ गुड फुल टेक्स्ट सर्च ऑन माई यूज़र कलेक्शन। अच्छी बात यह है कि इसको भी यूज़र ढूंढ के लाना है। आई ट्राइड इलास्टिक सर्च बट वॉज प्रिटी इम्पॉसिबल टू क्वेरी एंड पेजिनेट। सही है, पेजिनेट भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या चीज़ होती है। तो इलास्टिक सर्च क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, एक इन मेमोरी डेटाबेस कहते हैं, उसमें तमाम का तमाम डेटा जो है वो रैम में सेव होता है और वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए आपको ऐसी मशीन चाहिए होती है जिसमें कम से कम 40-50 GB के अराउंड कुछ रैम मौजूद हो, क्योंकि जितना भी आपका, जैसे आपका जो टोटल डेटाबेस है 500 MB का है अगर, तो वो 500 का 500 MB रैम में होगा, या अगर 1 GB का डेटाबेस है तो पूरा रैम में होगा वो। तो इलास्टिक सर्च एक चीज़ होती है, हम अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं कर पाएंगे उस कोर्स में इसको। अच्छा, आई ट्राइड मैनी प्लगइन्स फॉर मोंगोज लाइक ई एल मोंगो, मोंगो फुल टेक्स्ट, मोंगो मोंगोएस्टिक, एवरी वन आर रियली बैड डॉक्यूमेंटेड एंड आई डोंट नो हाउ टू परफॉर्म गुड फुल सर्च। अब कह रहे हैं कि सो माई कलेक्शन इज़ नॉर्मल कलेक्शन, कह रहे हैं मेरे कलेक्शन में एक नाम है, एक ईमेल है, नाम चाहिए हमें एक्चुअली हमें, सही है, और प्रोफाइल की कुछ चीज़ें, समथिंग स्ट्रिंग, प्रोफाइल में कुछ इज़ एक्टिव वगैरह, एक्स वाई जेड, कुछ फ़ोटो वोटो है। अच्छा, मज़ीद ये कह रहे हैं कि आई हैव अ सर्च इनपुट इन अ पेज विद अ सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट, इफ़ आई टाइप हेलो वर्ल्ड वट आई नीड इज़ टू सर्च ऑन द एंटायर कलेक्शन फील्ड द मैचिंग वर्ड ऑफ सर्च क्वेरी एंड गेट द रिजल्ट। इट वुड बी रियली नाइस ऑल्सो टू हैव ऑप्शन टू हैंडल अ पेजिनेशन लाइक 10 आइटम्स पर पेज और समथिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब सर्च करके लाएगा बंदा, अगर इसने लिखा जॉन, अब तो जॉन के नाम से 10,000 बंदे आ गए, तो वो 10,000 जाहिर है एक दफ़ा में नहीं ला सकते, लास्ट में कहीं ना कहीं पेजिनेशन करनी होगी। फेसबुक पर भी जब आप किसी का नाम लिख के सर्च करते हैं तो वो पेजिनेट होके आ रहा होता है, पूरा पेज नहीं फुल खुल जाता, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे मजीद डेटा लोड होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अचीविंग दिस, आई एम यूजिंग मोंगो डी बी 2.6 विथ मोंगोज नॉट जे एस एन एक्सप्रेस, ठीक है। टोटल हमारा वाला सिनेरियो है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। अब ये किसी ने जो है ना जवाब दिया है इसकी बात का, इसने कहा है कि यू कैन ऐड अ टेक्स इंडेक्स टू योर मोंगोज स्कीमा डिफाइनिंग दैट लेट्स यूज़ द डॉलर टेक्स्ट ऑपरेटर इन योर फाइंड क्वेरी टू सर्च ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग द टेक्स्ट इंडेक्स टू क्रिएट एन इंडेक्स टू सपोर्ट द टेक्स्ट सर्च से नेम एंड प्रोफाइल डॉट समथिंग। अब ये कह रहे हैं कि स्कीमा तो आपका सही है, इसी तरह रहेगा, आप इस पर इंडेक्सिंग करोगे। अच्छा, इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, किसी को कुछ आइडिया है डेटा बेस के अंदर इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है? बाइनरी सर्च का किसी को आइडिया है क्या चीज़ होती है? नाम नहीं सुना है बाइनरी सर्च का, तो ये समझने के लिए ना पहले आपको बाइनरी सर्च समझना होगा। अच्छा, बाइनरी सर्च जो टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट होता है, उसका टॉपिक है, ठीक है। अगर मे बी इन फ्यूचर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहें तो इसलिए बता रहा हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है कि डेटा को किस तरह से सजाया जाए, रैम मेमोरी में या डिस्क स्टोरेज में या डेटाबेस में, डेटा को किस तरह से सजाया जाए कि उसको बाद में रीड करना या उस पर क्वेरी करना आसान हो, ठीक है। तो बाइनरी सर्च एक टेक्निक है, उसमें से बहुत सारी टेक्निक से, अच्छा, डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम में से एक है बाइनरी सर्च। अच्छा, तो जो बाइनरी सर्च होता है
वो इतना पावरफुल सर्च होता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1 मिलियन यूज़र हैं, 1 मिलियन यूज़र हैं, हर यूज़र का एक रोल नंबर है, यूनिक रोल नंबर है, तो जब आप उस अल्गोरिथम को देते हैं ना एक रोल नंबर और कहते हैं इस रोल नंबर का बंदा ढूंढ के लाओ इस 1 मिलियन यूज़र्स में से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 आइट्रेशन में उसको ढूंढ के निकाल लेता है। एक तरीका तो ये हो सकता है ना इसका कि मैं 1 मिलियन दफ़ा एक फॉर लूप चलाऊंगा और मैं हर आइट्रेशन पे चेक करूंगा कि इफ़ जो इस इंडेक्स का रोल नंबर है वो मेरे इनपुट के इक्वल है, अगर तो वो है तो रिटर्न कर दो। तो इसमें क्या होगा कि बेस्ट केस ये होगा कि पहली आइट्रेशन में ही मुझे मिल जाए, पहला ही बंदा हो वो, या मुझे 10वें 12वें आइट्रेशन में मिल जाए शुरू में अगर होगा वो। तो इसका वर्स्ट केस ये हो सकता है कि मेरा एरे, मेरा जो लूप है वो पूरा 1 मिलियन दफ़ा चले और वो यूज़र बिल्कुल आखिर में हो, और दरमियाना केस ये हो सकता है कि कुछ आधा मिलियन चले। सही है, यही पॉसिबिलिटी है ना इसके अंदर। अच्छा, मैं इसमें बिल्कुल भी ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि यार इतने हाइड्रेशन में मुझे मिल जाएगा, तो मैक्सिमम 1 मिलियन तक ये जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 मिलियन तक ये जाएगा अगर आखिर का यूज़र होगा तो। ये इसको हम कहते हैं, इस सर्च एल्गोरिथम को क्या कहते हैं कोई बता सकते हैं? मैं भूल गया, लीनियर सर्च कहते हैं। सही है, लीनियर सर्च इसको कहते हैं कि भाई आप सर्च एक सीक्वेंस में कर रहे हो, या तो शुरू से आखिर तक यानी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या आखिर से स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं से भी करो लीनियर सर्च है ये। इसमें आप एक एक घर में डोर टू डोर तलाशी लेते हो आप पूरे इलाके की। सही है, तो ये सर्च इतना एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च एल्गोरिथम होते हैं डिफरेंट। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में आपको अगर ये बोलूँ कि इसी 1 मिलियन यूज़र में और इसी सिनेरियो में ये 20 से 25 आइट्रेशन में आपका 1 मिलियन यूज़र इतने से ढूंढ के निकाल के ले आएगा, तो क्या आपको इस बात पे यकीन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब सुनो कि करना क्या होता है। करना ये होता है कि पहले मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे जो रोल नंबर वाइज 1 मिलियन यूज़र हैं उसमें जो सबसे छोटा रोल नंबर है वो पहले नंबर पे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड डेटा मुझे चाहिए। अगर मेरा डेटा सॉर्टेड नहीं है तो उस पर मैं बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकता। बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए मुझे सॉर्ट करना होगा। अच्छा, अब सॉर्ट करना कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मिसाल, या तो एक तरीका ये हो सकता है ना कि वो डेटा जब क्रिएट हो रहा है उसी वक्त आप सॉर्टेड वे में उसको चलाएं, तो दैट वुड कॉस्ट यू समथिंग। अब भाई 1 मिलियन यूज़र है, उसमें एक नया यूज़र ऐड करना है और वो डेटा सॉर्टेड है और अभी जो यूज़र आया ना वो भी सॉर्टेड जगह पे डालना है, तो आप क्या करेंगे? आप वही कोई ना कोई सर्च परफॉर्म करेंगे आप और उसमें जाके बीच में उसको पुट करेंगे। सही है, तो आपको शुरू से प्लान करना होता है इस चीज़ को। उस डेटा को अगर शुरू से नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, उसको सॉर्ट करके आपने सेट करना होता है। अच्छा, तो वंस आपका डेटा सॉर्टेड हो गया ना तो आप उस पर बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी सर्च क्या करता है, आपका जो डेटा है ना, जाहिर है रोल नंबर एक या तो न्यूमेरिक वैल्यू होगा या तो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। स्ट्रिंग वैल्यू में भी मैं देख सकता हूँ ना कि डिक्शनरी ऑर्डर में ये पहले है या बाद में। शुरू में जावा स्क्रिप्ट के टाइम पर हमने ये देखा था कि अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग पे लगाते हैं, दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, तो मुझे ये बताता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में पहले कौन सा है। याद है, ये किया था हमने, वेल नहीं किया था तो ऐसे बता देता हूँ मैं कि अगर स्ट्रिंग के ऊपर ना मैं स्ट्रिंग को ये चेक कर सकता हूँ कि दो, एक कैट है और एक डॉग है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में पहले कौन आता है? कैट आता है क्योंकि सी से स्टार्ट है, डी से डॉग है, डॉग बाद में आता है डिक्शनरी ऑर्डर में। ठीक है, इसको लेक्सिकल ऑर्डर भी कहते हैं, ये डिक्शनरी ऑर्डर कह लो आप, कि कौन सी चीज़ डिक्शनरी में पहले आती है कौन सी बाद में आती है। ठीक है, अच्छा, डिक्शनरी में जो 100 पहले आता है या 23 पहले आता है? 100 पहले आता है। सही है, क्योंकि 1 से शुरू है वो। स्ट्रिंग की बात हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं, लेक्सिकल ऑर्डर में 100 पहले आता है, 23 बाद में आता है। ठीक है, तो हम जाहिर है ये चेक कर सकते हैं ना कि डिक्शनरी, तो वो बाइनरी सर्च सबसे पहले क्या करता है, आपने उसको एक रोल नंबर दिया 2356, एक रोल नंबर दिया आपने, उस 1 मिलियन डेटा के ना वो बीच में जाएगा दरमियान में, और दरमियान वाली एक वैल्यू उठाएगा और चेक करेगा कि ये 2356 से बड़ी है या छोटी है। डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर तो मिसाल के तौर पे ये वैल्यू मेरी जो है वो छोटी है, सही है,
यानी दो पूरा मेरा 1 मिलियन का जो यूज़र बेस था या डेटा बेस था उसमें वो 0 से लेके 500 तक और फिर 501 से लेके 1 मिलियन तक, ये पूरा दो दो पार्ट हो गया ना। तो अगर तो ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है 0 से लेके 500 वाले पार्ट में होगी, ऊपर तो नहीं हो सकती, डेटा सॉर्टेड है, आधे को वो गायब कर देगा, मतलब उसको छोड़ देगा वो, उसको अब समझ आ गया कि इतने में। अच्छा फिर अगली दफ़ा वो क्या करेगा, जो 0 से लेके 500 मिलियन तक जो है उसके बीच का उठाएगा एक, और चेक करेगा कि बड़ी है छोटी है, और डिपेंडिंग ऑन दैट आधे को फिर हटा देगा। ठीक है, तो ये आप देखें इसको क्या कहते हैं, जो 2x2 की जो पावर से ये कर रहा है काम, इसको क्या कहते हैं, नहीं ये मतलब अबे इसका कुछ नाम होता है, एक्सपोनेंशियली इसको ये कम कर रहा है डेटा को, एक्सपोनेंशियल कहते हैं ना इसको, कि एक्सपोनेंशियली कर रहा है इसको कम, यानी 1 मिलियन को आधा मिलियन किया, आधे मिलियन को क्वार्टर मिलियन किया, ठक ठक ठक, यानी तीसरी आइट्रेशन में इसका डेटा क्वार्टर मिलियन हो चुका है। ठीक है, तो 2 की पावर अगर आप लगाएं ना, 2, 4, 8, 16, तो ये तो 2 बिलियन तक पहुंच जाता है ना फौरन। तो जितनी आइट्रेशन इसमें लगती है ना, यानी जितने बिट आपको चाहिए होंगे, जैसे जो 4 बाइट होता है आपका, वो पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो? तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 आइट्रेशन लगेगी उस एक्चुअल डेटा तक पहुंचने में, समझ रहे हो? मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ पे अगर परफॉर्म करें कि सबसे लास्ट वाली तक वो यही करेगा, हाँ, सेंटर वाले पे उठाएगा वो। चलो हम 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, हम किसी छोटे डेटा सेट पे इसको ट्राई करते हैं, 100 वाले पे। बाइनरी सर्च बता दिया ना, बस यही है बाइनरी सर्च में, और कुछ भी नहीं है भाई। ये वाली टेक्निक फॉर लूप लगा के कर सकते हो ना खुद से अगर करना। अच्छा खुद करना नहीं होता, पहली बात तो ये भी है, खुद करना नहीं होता, वो पीछे हुआ हुआ होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना इंडेक्सिंग, इसका ताल्लुक इसी से ही है, अभी आते हैं उसके ऊपर, पहले ये मेन कॉन्सेप्ट तो समझ लो, जब भी वो बात पता चलेगी। अगर 100 100 यूज़र है मेरे, ठीक है, और रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक है, सॉर्टेड डेटा है, अब मुझे रोल नंबर मिला 26, अब 26 कितने आइट्रेशन में पहुँचेगा? सबसे पहली दफ़ा ही जाएगा ये, तो क्या करेगा, 50th नंबर जो है ना यूज़र, उसको उठाएगा और चेक करेगा कि ये 50 से छोटा है 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है। तो अब 0 से लेके 50 तक की जो डेटा है ना वो इसके लिए वैल्यूएबल है, बाकी का इसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। अच्छा अब दोबारा आएगा अगला, 25th को उठाएगा, वो देखेगा भाई इससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो 0 से 25 तक हट गया। अब 25 से लेके 50th तक के दरमियान की कोई कहानी है, अब 25 से 50th का दरमियान कौन सा पड़ेगा, 25 से, सही है, 25 प्लस एक्चुअली 12 ना, तो 37th पड़ेगा ये, 37th इसका मिड होगा, यानी 25 से लेके 50th का 37 इसका मिड बनेगा। 37 को उठाएगा, उससे छोटा है या बड़ा है, छोटा है। अब मेरा 25 से लेके 37 तक है, कोई गिन रहा है कितनी आइट्रेशन हो गई है, तीसरी है, चौथी आइट्रेशन है, चौथी आइट्रेशन है। अब 25 से लेके जो आपका 37 तक ये कितना बनता है, जो 12 वैल्यूज बची हैं एक्चुअली, तो अभी इन 12 में से बीच का उठाएगा वो, तो इनका दरमियान क्या बनता है, 25 प्लस 12 होगा, 25 प्लस 12, अबे ये क्या हो गया, इसको यहाँ बना लेते हैं यार, ड्रॉ करके होगा ये सही। ठीक है, 25 26 27 28 29, सही है, ये था ना 25 से 37 तक का रह गया था, ये रह गया था ना हमारा लास्ट। अब इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये टोटल 13 वैल्यूज़ हैं, तो 13 का जो मिड बनता है वो 7th बनता है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है। अब इसको उठाएगा, इसको कंपेयर करेगा कि ये
जो मेरे मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू वो इससे छोटी है या बड़ी है, तो इससे छोटी है, सही है, इससे छोटी है का मतलब ये खुद भी गया और इसके बड़े वाले सारे गए, सही है, इससे छोटी है ना ये तो नहीं है। अच्छा एक्चुअली वो एक्चुअली ये करता है कि ये वाली तो नहीं है, या इससे छोटी है या इससे बड़ी है, दोनों चीज़ें चेक करनी होंगी ना। अच्छा फिर इन अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, अब 6 का जो ये 27th बनता है दोबारा मिड, इसका उठाएगा भाई वैल्यू चेक करेगा कि 27th है या उससे छोटी है या बड़ी है, तो ये 27th भी गया और वो भी गया, अब ये दो ही वैल्यू बची है, तो अब जब दो वैल्यू बची है तो आप समझदार हैं कि इसमें से वो 25 उठा लेगा, चेक करेगा कि भाई ये वाली तो नहीं है, ये वाली भी नहीं है, आखिर में एक वैल्यू बची है, वो कहेगा यार ये वाली तो नहीं, यही है, ठीक है नहीं बात। अब वो जाहिर है अल्गोरिथम हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो एग्जैक्टली बताया हुआ होता है मिसाल के तौर पे कि वो कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, मैं छोटी छोटी डिटेल जाहिर है मिस कर गया हूँ, अभी जो मैंने आपको बताया ना वर्बली बताया है और बहुत शॉर्ट टाइम में बताया, तो मैं आपको छोटी छोटी डिटेल में मिस कर गया हूँ। बाइनरी सर्च का मैं कोड लिखूँगा ना यहाँ पे, तो ये देखो लोगों ने बना बना के डाला हुआ है, ये स्टैंडर्ड है ये, सही है। अच्छा इसने तो ये पूरा मिड विड बताया हुआ है ना पूरा, तो ये कोड है भाई इसका कि मिड उठाएगा लो माइनस हाई करके, इफ इक्वल्स है अगर तो रिटर्न, अगर बड़ा है या छोटा है तो दो, तो बस यही कोड है इसका और वो इसी तरह से चलता है, ठीक है। ये राइट साइड वाले को चेक कर रहा है, ये लेफ्ट साइड वाले को चेक कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि छोटा या बड़ा है वो लेफ्ट या राइट को पकड़ लेता है। वेल अब ये बात समझ आ गई कि बाइनरी सर्च। अच्छा अब ये गौर से बात समझ लो, अटेंडेंस हो गई तुम लोगों की, हो गई किसी की नहीं हुई है तो यार चले जाओ ज़रा। किसी भी डेटाबेस के अंदर जो है ना, जब आप सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कोशिश करता है कि बाइनरी सर्च हो जाए किसी तरह, ठीक है। अच्छा अब आपको ये बात समझ आएगी कि MongoDB में जो _ID वो खुद से जनरेट करता है उसका मकसद क्या है, ठीक है। _ID जो MongoDB में बनती है दैट इज़ अ सॉर्टेड डेटा, वो खुद से तो जनरेट करता है लेकिन दैट आईडी इज़ नॉट अ रैंडम आईडी, वो एक्चुअल में सॉर्टेड है, और क्योंकि वो टाइम से उसको करता है कुछ जुगाड़, तो जितनी भी नई आईडी जनरेट होती है ना वो पहले वाले से बड़ी होती है लेक्सिकल ऑर्डर में, जितनी भी नई आईडी जनरेट होती है वो पहले वाले से बड़ी होती है लेक्सिकल ऑर्डर में, तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट हुआ वो होता है, ठीक है। अच्छा यही वजह है कि जब मैं बाई डिफ़ॉल्ट उसको गेट करता हूँ कि तमाम डॉक्यूमेंट उठा के ले आओ, तो जब डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचता है तो वो सॉर्टेड होता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उसको ऐड किया गया, ठीक है। या मैं सर्च बाय आईडी करता हूं कभी भी तो वो पीछे बाइनरी सर्च परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, सही है। अच्छा बाय डिफॉल्ट यानी जब मैं स्कीमा बनाता हूँ ना, स्कीमा बनाता हूँ मैं, तो बाय डिफॉल्ट _ID वाली जो फील्ड है उसकी इंडेक्सिंग हुई हुई होती है। अब इंडेक्सिंग डेटाबेस में क्या होता है, अब यह समझ आएगा आपको। इंडेक्सिंग डेटाबेस में ये चीज़ होती है कि किसी एक फील्ड को मैं कहता हूँ कि इसको ना आप सॉल्ट कर लो, ठीक है। _ID की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हुई भी होती है, ये हमें समझ आ गया। अब मैंने मिसाल के तौर पे मैंने ईमेल से सर्च करवाना है, मेरे केस में _ID से सर्च नहीं करवा सकता, ये मैंने नाम से सर्च करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि नाम की इंडेक्सिंग कर दो। जब मैं बोलूँगा नाम की इंडेक्सिंग कर दो तो वो करेगा क्या, वो ये करेगा कि जितने भी यूज़र ऐड हुए हैं ना, मिसाल के तौर पर 1 मिलियन यूज़र हैं, तो उन सबके वो नाम निकालेगा, सही है, और उसके अगेंस्ट को किस आईडी पे बढ़े हुए हैं वो निकालेगा, और उसका एक पेयर बना के ना एक अलग से एक फाइल तैयार कर लेगा, और उन तमाम नामों को इंडेक्स करेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्ट करेगा। एक्चुअली इंडेक्सिंग करने में कंप्यूटिंग पावर लगती है एक्स्ट्रा, तो ये कोशिश मत कीजिएगा कभी कि तमाम फील्ड को इंडेक्सिंग कर दें कि भाई सर्च तेज़ होगा, सही है। सर्च जिसमें तेज़ होगा वो एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर लगेगी दूसरी साइड से, क्योंकि जब भी कोई नई वैल्यू आप ऐड करेंगे तो उसको सॉल्ट करेगा उसके अंदर वो। अच्छा वंस आपका डेटा सॉर्टेड हो जाता है ना, जैसे मैंने रोल नंबर वाली मिसाल दी थी कि भाई 100 रोल नंबर है, अब उसमें एक नया रोल नंबर आया है, तो उसको ऐसी जगह पुट करना है जो सॉर्टेड हो, तो उसको पुट करना आसान हो जाता है क्योंकि वो भी बाइनरी सॉर्ट के ज़रिए होगा, बाइनरी सर्च के ज़रिए होगा। भाई मिसाल के तौर पर एक रोल नंबर मेरे पास आया है 2579,
या मेरे पास एक रोल नंबर आया 87 आया रोल नंबर, तो मुझे एक ऐसी जगह पे जाके पुट करना है कि 87 ऐसी जगह पे पुट करना है जहाँ पे वो सॉर्टेड हो जाए, ऐसी जगह पे पुट नहीं करना, यानी लास्ट में पुट नहीं करना मुझे, बीच में कहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो 87 को लेके सर्च मारूँगा कि 87 कहाँ पे बनता है, वहाँ पे ले जाके उसको मैं पुट कर दूँगा। तो इंडेक्सिंग में मेरी जो एक्स्ट्रा पावर लग रही है वो ऐसा नहीं होगा कि लीनियर सर्च करके मैं उसको डालूंगा दरमियान में, बाइनरी सर्च से ही डालूंगा। तो लेकिन स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी अ एक्सपेंसिव थिंग फॉर प्रोसेसर, क्योंकि भाई 3-4 आइट्रेशन भी कम तो नहीं होती ना, सर्वर लेवल पे हो रही है जब, तो जब भी नया यूज़र ऐड होगा वो 3-4-5 आइट्रेशन एक्स्ट्रा लेगा। तो कभी भी हमने ये नहीं करना कि तमाम फील्ड पे इंडेक्सिंग ट्रू कर दी कि भाई ये सर्च तेज़ होगा, सर्च तेज़ होगा लेकिन अच्छा वो एक्स्ट्रा स्पेस भी लेगा डेटाबेस में आपके, ठीक है। क्यों, वो क्या करेगा, वो जैसे आपके अगर 1 मिलियन यूज़र है तो अब 1 मिलियन यूज़र का जो साइज़ है वो तो अलग है, वो एक अलग से फाइल तैयार करेगा, उन सारे लोगों का नाम निकालेगा, यानी नेम पे अगर आपने इंडेक्सिंग ट्रू की है वो सारे लोगों का नाम निकालेगा और नाम निकाल के एक अलग से चीज़ बनाएगा जो आपको नज़र नहीं आएगी डेटाबेस में, लेकिन वो डेटाबेस में जगह ले रही होगी। अगर आप MongoDB कंपास खोलेंगे ना, या बल्कि आप MongoDB एटलस भी खोलेंगे, तो इंडेक्सेस करके उसमें एक टैब आ रहा होता है अगर आपने देखा हो तो वो इंडेक्सेस में आपको नज़र आ रहा होगा और उस इंडेक्सिंग का साइज़ कितना है वो भी वहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। उस इंडेक्स को आप री इंडेक्स कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उस इंडेक्सेस में। वेल तो बात ये थी कि इसने बोला है कि भाई आपका ना कलेक्शन सही है, आप क्या करोगे, इस स्कीमा को इंडेक्स करोगे आप नेम को लेके और प्रोफाइल डॉट समथिंग को लेके, इन दोनों पे आप इंडेक्सिंग लगा दो, इन दोनों पे फुल टेक्स्ट सर्च लगाना है ना, तो इस पे इंडेक्सिंग लगा दो। कह रहे हैं कि फिर आप क्या करोगे, स्कीमा डॉट इंडेक्स और ऐसे ऐसे करके आप टेक्स्ट जो भी होगा वो दे दोगे आप, ठीक है। दिस वर्ड सबके लिए, मतलब नहीं, ये कह रहा है और इफ़ यू वांट टू इंक्लूड ऑल स्ट्रिंग फील्ड्स टू द इंडेक्स, कह रहे हैं अगर सब पे लगाना है तो फिर ये सारे के लिए कर दो, लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हमें नाम से सर्च करना है। अच्छा, OLX के केस में जो है ना वो सब पे लगा रहा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना फुल टेक्स्ट करना है आपने, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है। मोस्ट प्रोबेबली OLX के ऊपर उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें लगा रहा है वो, सही है, या उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं असल में। जैसे अगर मोटरसाइकिल्स हैं तो उसके अंदर मॉडल नंबर होता है, अब मॉडल नंबर एक डिफरेंट फील्ड है, ठीक है, ब्रांड एक डिफरेंट फील्ड है। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो सैमसंग है, उसमें वो ब्रांड का नाम है, तो वो एड का टाइटल, एड का डिस्क्रिप्शन, ब्रांड नेम अगर प्रोवाइड किया उसने एड लगाते हैं तो वो, मेक मॉडल एयर अगर प्रोवाइड किया उसने तो वो, तो ये तमाम चीज़ों पर इंडेक्सेस लगा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी तमाम पे नहीं लगा रहा, उसको जो लगता है कि यार ये चीज़ें सर्च होनी चाहिए उसी पे ही लगा रहे हैं। तो ये वाला काम आप कोशिश करें आपके ना करें, आप कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, दिस वुड इनेबल यू टू परफॉर्म अ पेज टेक्स्ट सर्च क्वेरी लाइक दिस। अच्छा, अब आपकी क्वेरी जो लगेगी ना उस पर वो ऐसे लगेगी, आप कहेंगे टेक्स्ट और सर्च की जो भी टर्म है वो यहाँ पे लिख देंगे आप, समझ आया। सही है, तो इन्होंने जो टेक्स्ट के नाम से जो इंडेक्सिंग की थी ना उस टेक्स्ट के ऊपर ये सर्च चलाया आपने, ठीक है। यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जिस नाम से इंडेक्सिंग की थी उस नाम से आपने चलाया है। तो हम भी ये कर लेते हैं, क्या ख्याल है, कॉपी किया मैंने इसको, हमने ये इंडेक्स ही लगाना है, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं करना हमने। तो हम आते हैं यूज़र के ऊपर, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दो चीज़ों पर हम क्या कर देते हैं, ये इंडेक्सिंग तैयार कर लेते हैं। किधर है वो डी बी रेपो models.js। अच्छा, ये तो मेरा ट्वीट स्कीमा है, इसको छोड़ दो। यूज़र स्कीमा जो है ना, मैं कहता हूँ कि भाई यूज़र स्कीमा पे क्या लगाना है मुझे, स्कीमा का जो भी नाम है मेरा उसके ऊपर लगाऊंगा मैं एक्चुअली। मैंने कहा यूज़र स्कीमा डॉट इंडेक्स, नेम रखूँगा मैं इसका कि भाई क्या नाम रख दूँ मैं, टेक्स्ट ही रख देता है। अच्छा, फर्स्ट नेम, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे लगाना है ना,
इसका नाम टेक्स्ट रखें, क्या रखें यार? निम 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 निम। मैंने कहा यूज़र सर्च, हाँ इंडेक्स कर रहा हूँ ना मैं इसको, इन दोनों को मैं एक साथ इंडेक्स कर रहा हूँ, ठीक है? ये इंडेक्स हो गया। अब मेरे डेटाबेस को पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं जब फाइंड करूंगा इसको तो मैं फाइंड कुछ इस तरह से करूंगा। मैं जाता हूं सर्वर पे, ठीक है? अब मुझे ये क्वेरी इस तरह करके सर्च करनी है ना, तो क्वेरी पे मैं लगाऊंगा ये वाली क्वेरी। मैंने कहा भाई यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट फाइंड, और टेक्स्ट नाम नहीं रखा था मैंने, मैंने रखा था यूज़र सर्च, ठीक है, इक्वल टू डॉलर सर्च, और सर्च की जो स्ट्रिंग है मेरे पास वो क्यू है। मैंने कहा आपके लिए क्यू, सही है। डॉट स्किप 20 नहीं करूँगा मैं एक्चुअली, मैं बोलूँगा यार सब लाओ, ठीक है? स्किप वगैरह मैं नहीं करना चाह रहा, लिमिट भी नहीं करना चाह रहा मैं कह रहा हूँ यार जितने यूज़र मिल रहे हैं ना इस नाम से वो सभी ले आओ। लेकिन मैं स्टिल वो पेजिनेशन वाला काम मैं कर सकता था, ठीक है? मैंने कहा क्वेरी इक्वल्स टू दिस हो गया, सही है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन कि क्यू मिला था तो ये टेक्स्ट सर्च हो जाएगा, अदरवाइज वो सिंपली 20 शुरू के उठा के लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट चलाना है, और एग्जीक्यूट करके मैं क्या करूँगा, अवेट कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू, ये अवेट कर दिया मैंने, इस पर एसिंक नहीं लगाया। मैंने कहा भाई यूज़र्स जो भी मिलते हैं यहाँ से पकड़ में लाओ उसको, और पकड़ में ला के मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो वो तमाम यूज़र्स, ठीक है? क्योंकि इसमें मेरे पास या तो आएगा एम्प्टी एरे या तो आएंगे यूज़र्स। अच्छा, इस पूरे चीज़ को मैंने क्या करना है, ट्राई कैच में रखना है, क्योंकि मैंने अवेट लगाया है तो इसमें अगर एरर थ्रो होगा तो वो कोड ब्रेक हो सकता है मेरा, तो ये मैंने ट्राई कर दिया, कैच कर दिया, सही है। ट्राई कैच लगाने से मेरे पास बेनिफिट ये होगा कि मैं उस एरर को हैंडल भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। फिलहाल मैं उस एरर को हैंडल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल क्या कर रहा हूँ, एटलीस्ट उस एरर को मैं कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं ये कैच नहीं लगाता तो एरर आने की सूरत में मेरा कोड ब्रेक हो जाता, और मैं रिस्पॉन्स भी भेज देता हूँ इसमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड एम्प्टी एरर, सही है, ताकि फ्रंट एंड पे ये पता ना चले कि एरर आया है फिलहाल के लिए। वैसे तो असूलन मुझे फ्रंट एंड में बताना चाहिए कि सर्च जो है फेल हो गया, लेकिन फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि एरर आने की सूरत में एम्प्टी एरे भेज देता हूँ, ताकि फ्रंट एंड पे लगे कि भाई नो यूज़र फाउंड। तो सही है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने यूज़र मॉडल पे लगाया ना इफ़, असल में यूज़र मॉडल में और इसमें नहीं, ये लिमिट भी तो लगा हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर की चीज़ को निकाल के उस पर कंडीशन लगा ली जाए, लेकिन ये एक में लिमिट भी लगाया मैंने, इस वाले में लिमिट नहीं लगाया, ठीक है? इसी तरह सही है ये। तो आ जाते हैं भाई, इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, यूज़र तो मेरे पास आया है, अरे एक ही यूज़र आया, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ एक यूज़र भी, ऐसा क्यों? फाइंड वन लगा दिया क्या मैंने उधर? फाइंड वन एक में लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक, सही है, फाइंड वन नहीं लगाना था, फाइंड लगाना था ताकि वो तमाम यूज़र लेकर आए, ठीक है? यूज़र आ गए मेरे पास, 7 के करीब यूज़र है मेरे पास, बट वो डिस्प्ले नहीं हुए यार, ये क्या बकवास है?
इसमें है ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रिएटेड ऑन। क्या किया मैंने ऐसा कि ये नज़र नहीं आ रहे। यूज़र्स डॉट लेंथ, ठीक है, यूज़र्स डॉट मैप, ईच यूज़र, इंडेक्स, सब कुछ सही है। वाई इज़ दैट? एल ई एन जी टी, लेंथ की स्पेलिंग भी सही है। अच्छा, मैंने ये मैप में से ना रिटर्न कॉल नहीं किया एक्चुअली, सही है। ये मैप में मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है ना, तो रिटर्न कॉल करना होता है, तो मैं ये कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ, मैं इसकी जगह गोल ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन में मुझे रिटर्न कॉल करना पड़ता नहीं, खुद नहीं रिटर्न होता, क्यों होगा खुद यार? फॉर ईच में भी नहीं होता, किसी में भी नहीं होता, खुद से क्यों रिटर्न होगा? ठीक है, ये मैप में अगर गोल ब्रैकेट मैंने लगाई हुई है ना, यानी सिंगल लाइन का लैम्डा लिखा हुआ है, तो सिंगल लाइन के लैम्डा में बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न होता है, लेकिन अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है तो मुझे रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करूं और कर्ली ब्रैकेट वापस लाऊं, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न ऐसे लगाना होगा, राइट। अगर मैं रिटर्न लगा देता हूँ तो भी ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने रिटर्न लगा दिया तो ठीक हो गया ये। अच्छा जी, तो ये राफे ख़ान और ये कुछ काफ़ी सारे मेरे पास यूज़र्स ऐड हो चुके हैं, शो हो चुके हैं। अब इसमें से मैं ना किसी एक को सर्च करने की कोशिश करता हूँ, सही है, राफे ख़ान को सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर ए एफ और एंटर। ये क्या हुआ? अभी भी सारे ही आए हैं। अच्छा, मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। यस, मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो मैं पेज रिफ्रेश बचाने के लिए क्या करूँगा, वो करूँगा ना मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अच्छा कि इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ना ये एक एरर भी देगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं जब डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ ना जब, तो मुझे ये ज़ाहिर है इसमें इवेंट तो दे नहीं रहा मैं, तो मुझे यहाँ पे एक इफ़ भी लगाना होगा। इफ़ इवेंट अगर मौजूद है, सही है, तो इसको प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करे, अदरवाइज वो, वरना मुझे एरर भी देना शुरू कर देगा। सही है, मैंने रिफ़्रेश किया, एरर नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख के भेजूँगा आर ए एफ और एंटर। ये भी सारे ले आया, तो मैं आर ए एफ ए वाई लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो भी सारे ले आया। ये क्या बकवास है? ये क्वेरी में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा? नेटवर्क में जाके देखना होगा मुझे। क्वेरी में जा तो रहा है राफे और खान। नहीं, ये हर दफा ही सब ले आता है यार, पता नहीं क्या हुआ इसको। क्या लगाया था? अच्छा, एक दफ़ा मैं ज़रा ये क्वेरी देख लूँ कि ये सही तरह से इसको लगा भी रहे कि। सही है, जो भी सर्च की टर्म आएगी ना, वो यहाँ पे मैंने कॉन्सोल करवाई है इस दफ़ा। तो मैंने राफे लिख के सर्च का बटन दबाया, यहाँ पे राफे सही मिल रहा है बिल्कुल। अच्छा, यूज़र सर्च, इसको एक दफ़ा टैली कर लेते हैं कि जो मैंने नाम डेटाबेस में किया है इंडेक्सिंग पे, वो इसी से ही किया है मैंने। यूज़र सर्च, यूज़र सर्च सही तो है। यूज़र सर्च सही है। नहीं नहीं वो टेक्स्ट तो इंडेक्स का नाम था वो एक्चुअली।
हमें स्कीमा डॉट इंडेक्स देख लेते हैं ना कि कैसे होता है, हमें पता चल जाएगा कि वो टेक्स्ट क्या चीज़ है। मोंगोस स्कीमा बनाया उसने, स्कीमा में चीज़ ऐड की है, ये रहा इंडेक्सेस का जिक्र है स्कीमा के अंदर। तो ये हो गया हमारा एनिमल स्कीमा, नेम वन और टाइप माइनस वन, ये है इंडेक्स बनाने का तरीका। एक मिनट यार, इसने तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया है। टू क्रिएट एन इंडेक्स टू सपोर्ट टेक्स्ट सर्च से नेम एंड प्रोफाइल डॉट समथिंग, यू कैन ऐड टेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा, टेक्स्ट इंडेक्स का इसने एक वो भी दिया है लिंक कि ये टेक्स्ट इंडेक्स होता क्या है। ये टेक्स्ट इंडेक्सेस करके एक जिसने चीज बताई है, ओ नहीं, उसको टेक्स्ट ही लिखना होगा एक्चुअली। क्रिएट इंडेक्स टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट ही लिखना होगा, वो इंडेक्स का नाम नहीं है। अच्छा, मोंगोडीबी, असल में मोंगोडीबी में कोई शायद ये फंक्शनैलिटी है जिससे मोंगोडीबी को मैं बता सकता हूँ कि ये टेक्स्ट सर्च में इस्तेमाल होगा। एक्चुअली मैं उसको नॉर्मल वाली इंडेक्सिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट मोंगोडीबी को बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट सर्च में इस्तेमाल होगा। तो मोंगोडीबी ना अकॉर्डिंगली कुछ कर रहा है, हमें नहीं बता रहा कि वो क्या कर रहा है। अब उसकी डिटेल देखनी पड़ेगी कि वो एक्चुअल में क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, टू रन द टेक्स्ट सर्च क्वेरी ऑन द ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट यू मस्ट हैव टू हैव टेक्स्ट इंडेक्स्ड ऑन योर कलेक्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कुछ है, मंजन है ये कुछ। तो हम एक काम करते हैं, इसको एग्जैक्टली ऐसे करके देख लेते हैं जैसे इसने बताया है। गॉट इट, सही है। इसको मैंने टेक्स्ट बता दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ डॉलर टेक्स्ट करके, आ जाते हैं भाई। डॉलर टेक्स्ट करके मैंने सर्च कर लिया उसको। ओके, नाउ लेट्स, ये सारे ले आया, आर ए एफ एंटर, ए वाई एंटर, मलिक स्पेस मलिक, चलो भाई ये तो चलना ही बंद हो गया, ये क्या चक्कर हुआ है। अच्छा, हम ज़रा मोंगोडीबी कंपास भी खोल लेते हैं कि ये वहाँ पे इंडेक्स कुछ बना है, क्रिएट हुआ है कि ऐसे ही। रीसेंट कनेक्शन पता नहीं कौन सा था हमारा वाला, हाँ ये कह रहा था इसने कुछ भेजा है, देख लेता हूँ क्या भेजा है इसने। रेगुलर एक्सप्रेशन, नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट चीज़ है। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब मैं कोई सर्च भेजता हूँ तो देखो, इसमें प्रॉब्लम पता है कि सिर्फ नेम पे चलेगा ये, नहीं मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के टेक्स्ट सर्च करना है ना, ये काम इसमें नहीं हो पाएगा। अगर एक फील्ड है तो उसमें ये शायद चल जाए, मैंने चलाया नहीं है लेकिन ये एक फील्ड पे चल जाएगा, लेकिन मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के रखना है ना। मिसाल के तौर पे अब्दुल मजीद ऐसे नाम है, तो कोई अब्दुल लिखे तो भी वो आना चाहिए, मजीद लिखे तो भी वो आना चाहिए, या एम ए जे लिखे तो भी आना चाहिए वो, समझ रहे हो बात। मतलब कहीं नीचे आए लेकिन आए। अच्छा, तुम कह रहे हो टेक्स इंडेक्स लगाने के बाद ये काम करना होगा सर्च चलाने के लिए।
एक तो यार ये आधी ज़िंदगी गुजर गई इसकी, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा मेरे केस में एबीसी डेटाबेस नाम है ना इसका, तो मैं एबीसी डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके इंडेक्सेस की ज़रा शक्ल देख लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है। यूज़र्स, ठीक है ये यूज़र्स आ गया। अब इसके इंडेक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं यार, आ तो रहा है कुछ यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ, देख रहे हो कंपाउंड लिखा हुआ है। कंपाउंड का मतलब होता है दो को मिला के बना है। इसको मैं अगर खोलूँगा तो ये समथिंग प्रोफाइल डॉट समथिंग डॉट टेक्स्ट, ये पता नहीं कुछ और ही बन गया। एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, सही है डिलीट करके हम दोबारा से जब बनाएंगे ना तो वो होपफुली कुछ बेहतर हो जाए। सही है, यहाँ पे आके मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा ना तो वो दोबारा से उसको क्रिएट करेगा। ठीक है रिफ्रेश, हाँ ये दोबारा से क्रिएट कर दिया इसने, क्रिएट तो वही किया है पहले वाला। देखो यहाँ पे ना 20 KB इसने जगह ली हुई है और अंडरस्कोर आईडी ने देखो कितनी जगह ली हुई है, 36 KB। और ये टाइप रेगुलर है, ये टाइप है टेक्स्ट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बिल्कुल सही लगा हुआ है। डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश, ओवरराइड लैंग्वेज। अब तो सही चलना चाहिए इसको यार। वही चल गया, आर ए एफ से नहीं आ रहा, लेकिन आर ए एफ ए वाई से आ रहा है। चलो कुछ तो चला। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे थे कि इसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। अच्छा इसमें ना आधा लिखने से भी आएगा, अब वो कैसे आएगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन है कुछ ना कुछ है तरीका उसका भी। अच्छा नहीं तुम्हारे वाले केस में कंपाउंड में होगा वो, हाँ अब देख लेते हैं। तुम्हारे वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना वो इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। ये जो सर्च करके लिखा हुआ है ना क्यू, तो देखो इसमें अगर मैं खान लिखता हूँ तो भी तो आना चाहिए ना। देखो खान लिखने पे भी आ रहा है, या जैसे मैं किसी पे लिखता हूँ मलिक, लास्ट नेम है ठीक है, मलिक लास्ट नेम का पार्ट है। तो देखो इसमें ना तीनों आ गए ये वाले, हालांकि मैंने लास्ट नेम ये इतना है, मैंने इसका दरमियान का पार्ट लिखा है लास्ट नेम का, तो भी ये उसको लेकर आया है कि हाँ यार इसमें ये मौजूद है। सही है, या मैं एस ए डी लिखूंगा ना, देखो एस ए डी और एंटर किया मैंने तो वो आ गया, हालांकि एस ए डी लास्ट नेम का पार्ट है, एस ए लिख के नहीं आ रहा, ये एक प्रॉब्लम है। पूरा लास्ट नेम है नहीं, लास्ट नेम का पार्ट जैसे अब ये ए बी सी नेम है तो ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, तो अगर मैं एन ए एम ई लिखूँ तो भी इसको आना चाहिए। ठीक है अब ये तुम सही कह रहे हो वैसे कि अब ये क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल एक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट नेम से आ रहा है या लास्ट नेम से। सवाल तो तुम्हारा सही है, लेकिन अगर इसमें नेम लिखूँ मैं, देखो नेम जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक नेम कंप्लीट फर्स्ट नेम नहीं है, फर्स्ट नेम इतना है और लास्ट नेम इतना है। तो अगर मैं नेम लिख रहा हूँ और ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि दरमियान वाली चीज़ को ये उठा के ला रहा है ना, दरमियान वाली चीज़ ला रहा है ये, क्योंकि पूरा तो नहीं है ना नेम, ना इधर पूरा में नेम है ना इधर पूरे में नेम है। तो मैं नेम लिख के देखता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया ये ठीक है। अच्छा स्टिल मुझे सिर्फ एन ए एम से भी आना चाहिए ये, लेकिन एन ए एम पे नहीं आ रहा, ये एक इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अब डिपेंडिंग ऑन हो सकता है किसी को इतना ही चाहिए हो, जैसे स्काइप में मोस्ट प्रॉब्ली यही वाला लगा हुआ है, स्काइप में पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तभी आता है, अदरवाइज अधूरी स्पेलिंग पे वो नहीं आ रहा होता। वेल तो मेरा ख्याल है इसको हम यहीं तक रखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सही है, और मैं इस लिस्ट पे आके ना फॉर्म पे एक चीज़ नहीं लिखी मैंने, इस पे वो लगा देता हूँ प्लेस होल्डर टाइप यूज़र
नेम सही है। अच्छा अब मुझे अगला काम ये करना है कि इसी किसी यूज़र के नाम पे कोई बंदा क्लिक करे अगर तो क्या हो। मैंने इस पे क्लास का भी नाम लगा दिया यूज़र लिस्ट आइटम, और इस क्लास के नाम पे मैं एक्चुअली क्या करने लगा हूँ, इस क्लास के नाम से मैं इस पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा ताकि कुछ बॉक्स बॉक्स टाइप की कुछ चीज़ बन के आ जाए, ताकि जो है ना अच्छा ये काम मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मैं यूज़र लिस्ट डॉट सी एस एस बना दूंगा एक, और यूज़र लिस्ट सी एस एस में इस नाम का एक क्लास बनाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसको दे दूंगा मैं 15 पिक्सल, अच्छा पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल और मार्जिन दे दूंगा इसको मैं 10 पिक्सल, ठीक है भाई इनफ है आई थिंक ये, और इंपोर्ट कर लूँगा मैं यूज़र लिस्ट डॉट सी एस एस। भाई क्या हो गया ये क्या हो गया, यूज़र लिस्ट डॉट सी एस एस ही जो लिखा है, अच्छा सही है जी। तो ये मेरा जो है ना यूज़र आ गया, अब इसमें से मुझे मेरा वाला यूज़र माइनस भी करवाना है एक्चुअली, सही है, या मेरे यूज़र पे एटलीस्ट मी लिखा हुआ जाए, अब उसके लिए कुछ लॉजिक लगा सकते हैं हम, सर्वर से मैं मिसाल के तौर पे मैं सर्वर से कुछ ऐसी सेटिंग करके भेजूँ वहाँ से कि भाई इसमें जो रिस्पॉन्स आया ना, इस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे वो मिलता है ना यूज़र की जो अंडर स्कोर आई डी है वो कैसे मिलती है मुझे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडर स्कोर आई डी ऐसे करके मुझे अच्छा टोकन के अंदर टोकन डॉट अंडर स्कोर आई डी ऐसे करके मिलती है ना मुझे, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट माई आई डी इक्वल्स टू दिस, तो मैं इस पर एक रिस्पॉन्स भेजने से पहले एक छोटा सा मैप चला देता हूँ कि यार जो भी मेरे पास यूज़र्स आए हैं ना, यूज़र्स आए हैं मेरे पास उस पर डॉट मैप चलाओ, ठीक है, और ईच यूज़र मुझे यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे से इफ़ चेक करोगे भाई अगर जो है ना ईच यूज़र की आईडी जो है वो इक्वल्स इक्वल्स हो जाए माई आईडी के, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो डॉट आई डी नहीं ना, ये ऊपर मैंने अलग कर लिया ना इसको माई आईडी, हाँ ईच यूज़र डॉट अंडर स्कोर आईडी करेक्ट, ठीक है, अगर ये हो जाए माई आईडी के इक्वल तो उसमें ईच यूज़र डॉट मी को जो है ना ट्रू करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि मुझे फ्रंट एंड पे एक फ्लैग मिल जाए कि ये दिस इज़ मी, तो एल्स रिटर्न ईच यूज़र, और यहाँ पे भी एक्चुअली रिटर्न ईच यूज़र होगा, सही है, और इस पूरे को मैं कहाँ पे उठाऊँगा, एक एक नई वैल्यू उठाऊँगा मैं कॉन्स्ट मॉडिफाइड यूज़र लिस्ट इक्वल्स, और ऐसे अच्छा बाय द वे इसके अंदर जब मैंने यूज़र गेट किया ना जिस तरीके से, इसमें उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ रहा होगा, तो मुझे वो सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए, मैं इसमें प्रोजेक्शन लगा सकता हूँ ताकि वो मुझे पासवर्ड ना भेजे, या एज अ लास्ट रिजॉर्ट में ये कर सकता हूँ कि इस इफ़ में ना ये जो मी डॉट ट्रू लगा रहा हूँ मैं यहीं पे इसका मैं पासवर्ड भी रिमूव कर दूँ, ठीक है, उस वो किस तरह करूँगा मैं एक्चुअली, वो मैं ऐसे करूँगा कि रिटर्न के आगे ना एक नया यहाँ पे से ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा पूरा, और मैं बोलूँगा कि मुझे इस पे से क्या क्या चीज़ चाहिए इसकी, मुझे इसमें से ना इसकी ये चीज़ चाहिए, मैंने कहा भाई पहले तो मी ट्रू है ये, फिर उसके बाद अंडर स्कोर आई डी में जो है ना ईच यूज़र अंडर स्कोर आई डी हो जाए, ऊपर भी मैंने इक्वल्स लगाया था ना,
सही है, मी ट्रू हो गया। ईच यूज़र डॉट आई डी जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ईच यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, मतलब यहाँ से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना के भेजूँ डिपेंडिंग ऑन, मतलब पुराने जो डेटाबेस से है उस ऑब्जेक्ट को साइड पे कर दूँ, अपना एक बना लूँ। मैंने कहा फर्स्ट नेम ईच यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से लास्ट नेम ईच यूज़र डॉट लास्ट नेम। यही चार चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए एक्चुअली, ईमेल भी चाहिए, ईमेल भी चलो रखवा लेते हैं। सही है, तो मी ट्रू करवा लिया मैंने यहाँ पे, बाकी नीचे जो एल्स लगेगा मेरे पास। अच्छा, इसकी लॉजिक फिर थोड़ी सी चेंज होगी एक्चुअली, थोड़ी सी चेंज होगी इसकी लॉजिक, वो चेंज ऐसे होगी कि इसको इफ से पहले लगाऊंगा मैं, लेट यूज़र मी यहाँ पे फॉल्स होगा, और यहाँ पे इफ़ लगा के मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका मी ट्रू करवाऊँगा, अदरवाइज़ तो ये भी उसी तरह जाना है। मैंने कहा डॉट मी इक्वल्स टू ट्रू, और फिर मैं इस यूज़र को रिटर्न करवाऊँगा। नहीं ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, नया ऑब्जेक्ट है ये, नहीं डॉट मी पकड़ देगा उसको, समझ आ जाएगा, डॉट मी दिया हुआ नहीं है, ऐड हो जाएगा नया। नल के ऊपर डॉट मी लगाता फिर एरर था, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट मी लगा रहा हूँ ये एरर नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो ये मैंने एक नया यूज़र बनाया जिसमें वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे भिजवानी है। ये मैं काम प्रोजेक्शन के ज़रिए भी कर सकता था, मैंने ऐसे कर लिया, एक ही बात है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेरी एफर्ट ज़्यादा लगी है, प्रोजेक्शन में थोड़ा सा आसान होता है काम, तो सही है, मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से जो ये मैं सेंड कर रहा हूँ ना, मैं ये मॉडिफाइड यूज़र भेजूँगा यहाँ से, मॉडिफाइड यूज़र लिस्ट। ठीक है, जो नया मैंने अभी खुद तैयार किया है मैप चला के, वो वाली भेजूँगा मैं। कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है इसकी वजह से, अब प्रोजेक्शन से करता तो काम ये ईजिली हो जाता मेरा। वेल, अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना फ्रंट एंड पे, तो मैं यहाँ पे मी मुझे मिलेगा ट्रू, तो मैं यहाँ पे एक स्पैन और लगा देता हूँ, और मैं इसमें जाहिर है वो लगा दूंगा कि दिस इज़ मी। अब ये दिस इज़ मी मुझे हर दफ़ा नहीं दिखाना, मुझे कंडीशनल दिखाना है। कंडीशनल मैं ऐसे दिखाऊंगा फिर इसको, मैं कहूंगा कभी ये टर्नरी ऑपरेटर ईच यूज़र डॉट मी अगर ट्रू है इसके अंदर तो क्या करोगे आप, तो ये स्पैन दिखा दोगे, अदरवाइज नल। ठीक है, नलिश ऑपरेटर भी चलो लगा दिया, और ठीक है, तो किसी एक में जो है ना लिखा हुआ आना चाहिए कि दिस इज़ मी। अरे ये क्या सीन है भाई, इधर ये पता नहीं चला इसको, अंडर स्कोर आई डी माई आई डी। नहीं पता चला यार उसको, ऐसा कैसे बोला। अच्छा, ये मेरे समझ आ गया क्यों नहीं हुआ। ईच यूज़र डॉट आई डी ना, ये स्ट्रिंग नहीं होता, इस पर मुझे डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। एक इक्वल कम करने से भी हो जाएगा, नहीं वो उसकी एक टाइप होती है, वो स्ट्रिंग से ना फिर वो मैच नहीं होता समटाइम। एक काम करते हैं, इस आई डी को पहले ज़रा हम कंसोल करा के ना देख लेते हैं कि ये क्या चक्कर है इसका। मैंने कहा भाई ये आईडी को कंसोल करो आप, और साथ साथ जो है ना आप क्या करो, टाइप ऑफ बताओ इसकी कि मुझे टाइप क्या है। और अब मैं यहाँ से आगे रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये मुझे टाइप भी बताएगा। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको अब टू स्ट्रिंग कर दूं, तब ये स्ट्रिंग बन जाना चाहिए। यहाँ पे भी मैं डॉट टू स्ट्रिंग कर दूं इसको, सही है। अब स्ट्रिंग हो गया, अब तो मैच हो जाना चाहिए, अब क्यों नहीं हो रहा भाई।
आ गया, दिस इज मी, कहाँ है? नहीं आ रहा ना, या तो मैंने मी का वो फ्लैग सही नहीं लगाया। सही है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये मैच होता है वहाँ पे मैं कंसोल लगा लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा मैच हो रहा है भी कि नहीं। मैच्ड, सही है, मैंने एक कंसोल लगाया है कि भाई मैच्ड लिखा हुआ आ जाए अगर यहाँ पे किसी एक में भी मैच होता है ये, तो मैच किसी में भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। हाँ, अब माई आईडी की बारी है कि भाई इसको भी मैं कंसोल करा लूँ एक बार। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये बनाया है इसको, यहीं पे मैं इसको कंसोल करा लूँ। कि पता चले माई आईडी ही कुछ और बना हुआ हो ना, स्ट्रिंग में ना हो। माई आईडी ये मिल रहा है, प्लेन स्ट्रिंग 8C 8C 8C, ये लास्ट वाले में मैच हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, टाइप ऑफ देख लेते हैं इसकी भी हम। टाइप ऑफ माई आईडी में मुझे स्ट्रिंग मिलना चाहिए। सही है, माई आईडी स्ट्रिंग मिल रही है, अब और क्या करे बंदा यार, मैच क्यों नहीं हो रही है? डॉट टू स्ट्रिंग भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अच्छा, दोबारा लगा देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग। अरे हाँ यार, आया तो था। मैं असल में वो कहते हैं ना, जब बंदा किसी चीज़ को देख रहा नहीं होता तो वो नज़र नहीं आती। मैं असल में एक नई लाइन को ढूंढ रहा था, तो नई लाइन तो नहीं थी वहाँ पर। सही है यार, वो आ रहा था बिल्कुल बिला वजह, हम टेंशन में आए। इन सारे कॉन्सोल्स को हटा देते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू लाइन, तो जब न्यू लाइन नहीं मिल रही थी तो मैं, मुझे लग रहा था कि नहीं आ रहा। सही है, यहाँ पे BR की कमी की वजह से। अच्छा, BR भी मैं इसके अंदर ही लगा देता हूँ कि भाई एक अदर जो है ना BR होगा यहाँ पे। अच्छा, ये डबल में एरर दे रहा है ना, चलो स्पैन के अंदर लगा देते हैं BR। चलो और बोलो, सही है, दिस इज़ मी। अब दिस इज़ मी को आप कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, इट टोटली अप्स टू यू कि अब आप उसको कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, अगला काम हमने ये करना है कि हमने एक चैट स्क्रीन तैयार करनी है। अच्छा, तो आ जाते हैं भाई, चैट स्क्रीन तैयार कर लेते हैं, इतना काम हम कर लेते हैं। यूज़र सर्च कंप्लीटेड, ठीक है, और इसी यूज़र लिस्ट की एक कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यही चीज़ें होंगी जो चैट स्क्रीन पर भी हम कर रहे होंगे। चैट स्क्रीन डॉट जे एस एक्स, ठीक है। अब ये चैट स्क्रीन डॉट जे एस एक्स जो होगा ना हमारा, इसके ऊपर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा ऑब्वियसली, जिसमें मैसेज लिख के बंदा भेज रहा होगा, एंटर कर रहा होगा। तो चैट स्क्रीन मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है, और उसके बाद एक फॉर्म है जिसकी टाइप अभी जो है सर्च है, इसकी टाइप हटा के मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैसेजेस जो आप लिख रहे होते हैं वो एक्चुअली वो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। प्लेस होल्डर लिख देते हैं हम कि टाइप योर मैसेज, ठीक है, और ये सर्च की जगह अब मैं बता देता हूँ सेंड का बटन बना देता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज के ऊपर ये सेट सर्च टर्म है, तो सेट सर्च टर्म को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, सेट राइट मैसेज। सही है, और इसको मैं कर देता हूँ राइट मैसेज। सही है,
तो ये मैंने राइट मैसेज इसको बना दिया। राइट मैसेज शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब कोई भी बंदा आएगा जब मैसेज वो लिख रहा होगा, तो मैसेज लिखते हुए उसको इस स्टेट के अंदर वो मिल रहा होगा कि वो मैसेज क्या है, ठीक है। अच्छा, एक यूज़र्स बना हुआ है, इस यूज़र्स की जगह क्या होगा कि प्रीवियस मैसेजेस होंगे एक्चुअली जो मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे। और इसी स्क्रीन पे फिर हम रियल टाइम वाले जो सारे काम है वो फिर कर रहे होंगे कि जब सामने से कोई मैसेज भेजे तो मुझे बगैर पेज रिफ्रेश किए वो नज़र आ जाए। ये काम हम ट्विटर वाले ट्वीट में भी कर सकते थे कि सामने से अगर कोई मैसेज भेजे तो मुझे वो बगैर क्या कहते हैं रिफ्रेश किए वो नज़र आ जाए। बट इन चैट एप्लीकेशन इट डज़ मेक सेंस कि भाई मतलब समझ आता है कि हाँ यार कुछ वाकई चीज़ हो रही है, वरना ट्वीट में रियल टाइम आमतौर पर आता भी नहीं है। ट्विटर में ना अगर आप कोई नई ट्वीट करें तो रियल टाइम में वो आपको नहीं दिखता। रियल टाइम में नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाती है अगर आपके ट्वीट को कोई लाइक करता है तो क्योंकि रियल टाइम ऑपरेशन एक्सपेंसिव होते हैं। तो ट्विटर में या फेसबुक में बहुत सारी चीज़ों में ना, जो शुरू शुरू में जब फेसबुक आया था ना, तो हर चीज़ रियल टाइम कर रहा था, हर चीज़, यानी इवन लाइक का जो काउंट है और कमेंट का जो काउंट है वो सब रियल टाइम में बढ़ रहा होता था। अब नहीं होता वो, अब आपको कमेंट रियल टाइम में सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब कमेंट आपने स्क्रीन पे खोला होगा, ठीक है, उस वक्त नज़र आएगा। अदरवाइज़ सिर्फ एक ही चीज़ होती है नोटिफिकेशन जो रियल टाइम चल रही है फेसबुक में, बाकी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया रियल टाइम से, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप एक पोस्ट खोल के बैठे हैं और लाइक का काउंट आपका जो है ना वो रियल टाइम में नहीं बढ़ता, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइक कर दिया किसी ने लेकिन वो काउंट नहीं बढ़ता, वो रिफ्रेश करेंगे आप तो काउंट बढ़ा हुआ नज़र आता है, सही है। इस तरह से अब उन्होंने कर दिया। जाहिर है उनके यूज़र्स ज़्यादा हो गए, कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग पावर जो है वो एक्सपेंसिव होती है, तो उसको बिला वजह ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मेक सेंस भी है यार, मुझे मतलब बढ़ते हुए काउंट लाइक का देख के मैं क्या करूँगा। नोटिफाई करना ज़रूरी है ऑन अदर हैंड कि भाई मेरे पोस्ट को किसी ने लाइक किया तो नोटिफाई हो जाऊँगा पुश नोटिफिकेशन पे और वहीं पे ही हाथ के हाथ जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ। वेल, तो अब मुझे यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें चाहिए। राइट मैसेज लिख के मैं जो भेजूँगा तो ये सर्वर पे जब पहुँचेगा वो राइट मैसेज, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा यहाँ पे दैट वुड कॉल्ड सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज करके ये फंक्शन होगा कि बंदे ने लिखा मैसेज और सेंड का बटन दबाया तो वो सेंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट की रिक्वेस्ट में क्या होगा, मैसेज, ठीक है, यहाँ पे मैसेज जा रहा होगा। अब इसके अंदर क्वेरी में कुछ भी नहीं होगा, कौन किसको मैसेज कर रहा है हम ये दुनिया को नहीं बताना चाहते। कॉमा डाल के मैं इसमें एक बॉडी तैयार करूँगा, ठीक है। बॉडी में क्या होगा, फ्रॉम, किसने भेजा है मैसेज, एक अदद यहाँ पे यूज़र आईडी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। टू, किसको भेजा है, ठीक है, ये वाली यूज़र आईडी होगी यहाँ पे। अच्छा, फ्रॉम मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से नहीं भेजेंगे क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी टोकन में मेरे मौजूद है, या जो लॉगिन है बंदा वही भेज रहा है एक्चुअली, जो जिसने ये रिक्वेस्ट इनिशिएट की है वो भेज रहा है मैसेज। तो टू होगा सर यहाँ पे कि भेज किसको रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, टेक्स्ट होगा कि मैसेज में बात क्या लिखी हुई है। अच्छा, टेक्स्ट की जगह पे मैं रख दूंगा ये राइट मैसेज, सही है। बाकी डेट टाइम वगैरह भी मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट टाइम मैं सर्वर से उठा लूँगा, जो भी मेरे सर्वर पे वो लिखा हुआ होगा, यानी करंट टाइम जो भी होगा। और कोई चीज़ हो सकती है क्या यहाँ पे, क्रिएटेड ऑन भी वो डेटाबेस खुद बना लेगा, बस यहीं इतना ही है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये इसके नतीजे में जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पे बता देंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि भाई इस पेज पे जब मैं पहुँचूँगा तो मुझे ये बात पता लगानी है कि मैंने किस बंदे पे क्लिक किया था, मुझे ये बात पता लगानी है कि मैंने किस बंदे पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हमारा टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो 15 मिनट अगर और हम हैं हमारे पास तो हम एटलीस्ट ये वाला काम कर लेते हैं आज कि जिस बंदे के नाम पे क्लिक किया है ना वो राउट होके उस बंदे का डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा हो कि ये किससे बातचीत चल रही है असल में, ठीक है। राउटिंग का, ये राउटिंग की एक डिटेल है ये जो हमने पहले कवर नहीं की है, कर लें, हैं 15 मिनट आपके पास। अच्छा, इसके लिए होगा ये सबसे पहले कि चैट स्क्रीन को ना सबसे पहले तो यहाँ पे शामिल किया जाएगा कि चैट स्क्रीन खुलती कौन से एड्रेस पे। तो मैं जाता हूँ app.js पे और मैं कहता हूँ कि भाई
ये है ना यूजर लिस्ट, यानी होम पे मेरे पास होती है यूजर लिस्ट, और प्रोफाइल पे मेरे पास होता है प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड पे होता है चेंज पासवर्ड की स्क्रीन, चेंज पासवर्ड का बटन है कहीं ना कहीं। अब इसमें मैं एक और बनाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे चैट, सही है, चैट या मैसेज कुछ भी बात नाम लिख सकता हूँ मैं, सही है, चैट यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास चैट स्क्रीन, ठीक है, चैट स्क्रीन ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ है तो उसको ऊपर चल के ज़रा इम्पोर्ट कर लेते हैं। चैट स्क्रीन और फ्रॉम चैट स्क्रीन, ठीक है, चैट स्क्रीन को यहाँ पे मैंने लगा दिया, बट ये चैट स्क्रीन का अब आने का कोई बटन नहीं है चैट स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे लिखूँगा ना स्लैश चैट, तो ये चैट स्क्रीन पे पहुँच गया कि राइट योर मैसेज और ये चैट की स्क्रीन है, ये इस जगह पे पहुँच गया, बट यहाँ पे आने का ना कोई बटन नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे आने का बटन होगा किसी यूज़र के नाम पे क्लिक करेगा बंदा कि भाई इस यूज़र से बातचीत चल रही है। अच्छा, ये काम कैसे होगा, इस काम के लिए मुझे यहाँ पे ना जब मैं चैट की स्क्रीन पे पहुँचूँगा तो मुझे क्वेरी पैरामीटर में ना इस बंदे का यूज़र आईडी भी लेकर जाना है, समझ रहे हो। अच्छा, दो तीन तरीके हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा पास करने के, एक तो है मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ना इस पॉइंट पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डेटा ट्रैवल करवाना अप्रोप्रिएट नहीं है शायद, क्वेरी पैरामीटर जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या उसको यूआरएल पैरामीटर कह सकते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे ख्याल में। अच्छा, क्यों, वो इस वजह से कि जैसे ही मेरा चैट की स्क्रीन लोड होती है तो मैंने क्या करवाना है, मैंने उसके ऊपर जिस यूज़र से मैं बात कर रहा हूँ उसकी फ़ोटो लोड करवानी है, और उससे उसके साथ मेरे हुए हुए कन्वर्सेशन लोड करवाना है, तो मुझे उसकी आईडी तो चाहिए, वो मुझे अगर मैं यहाँ क्लिक करते ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रखवाऊँ और वहाँ से उठा लूँ अगले पे जाके तो ये भी सही है, लेकिन ये डेटा कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल नहीं है जो मैं इसको दिखा ना सकूँ फ्रंट पर, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप वेब में खोलते हैं ना व्हाट्सएप, तो उसमें भी शायद वो क्वेरी पैरामीटर में दिखा रहा होता है कुछ इस तरह की चीज़ है, किसी के पास खुला है अभी व्हाट्सएप वेब वाला, ठीक है। तो मेरा ये एक समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग जो है मेरी कि इस केस में क्वेरी पैरामीटर बेटर है। अब वो क्वेरी पैरामीटर होता कैसे है, आ जाओ देख लेते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, सही है, और यूआरएल पैराम्स, भाई तो V5 में लेकर आ गया, V5 V6 की बात नहीं है, वो असल में होगा उसी तरीके से। अच्छा, ये देख रहा हूँ जहाँ पे मैं पाथ बताऊँगा ना वहाँ पे मैं ऐसे करके आईडी बता रहा हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे आके जो चैट है ना, अब चैट के साथ ना ये लगाऊँगा मैं ऐसे कि ये वाली स्क्रीन कब खोली जाए, जब चैट हो और उसके साथ एक आईडी हो। अच्छा, अब देखो होगा क्या, अब होगा ये कि मैं सिर्फ यहाँ पे चैट लिखूँगा ना ये स्क्रीन नहीं खुलेगी, सिर्फ चैट लिखने से ये रिडायरेक्ट करके मुझे होम पे ला रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, स्लैश चैट स्लैश और कोई भी नंबर रैंडम नंबर लिखूँगा तो सही खुल जाएगा चैट स्क्रीन, समझ रहे हो ये बात। अच्छा, अब ये जो नंबर मेरे पास यूआरएल में आ गया है, मुझे इस कंपोनेंट पे आके इस नंबर को रिट्रीव करना है ना, इस नंबर पे आके मुझे इस कंपोनेंट पे आके मुझे इसको रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने का तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, ये वैसे पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है बट स्टिल ये चीज़ें जाहिर है चेंज नहीं हुई हैं, ये चीज़ें वही हैं। यूज़ पैराम्स करके ना मुझे जितने भी पैरामीटर होंगे ना स्लैश 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 वो मुझे सारे मिल जाएंगे जैसे मुझे एक्सप्रेस पे मिलते हैं। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक एक्सप्रेस से नहीं है, ये फ्रंट एंड की चीज़ है, टोटली फ्रंट एंड की चीज़ है। इंटरनेट पर मैं क्या रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ये मैं डेटा को ट्रैवल करवा रहा हूँ यूआरएल पैरामीटर के अंदर, तो अब मैं उस कंपोनेंट पे जाऊंगा चैट स्क्रीन पे। अच्छा, मुझे पता है कि 100% कोई नंबर होगा तो ये स्क्रीन खुलेगी, अदरवाइज ये खुलेगी नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो है ना मैं आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं ऐसे ही पकड़ लूँगा आईडी इसकी, ठीक है। आईडी के नाम रखा था, क्या नाम रखा था हमने, आईडी नाम रखा था, सही है। तो मैं आईडी पकड़ लूँगा यूज़ पैराम। अच्छा, यूज़ पैराम को मैं पकड़ूंगा कहाँ से, वो मैं पकड़ूंगा रिएक्ट राउटर डॉम में से। रिएक्ट राउटर डॉम नहीं लगा हुआ ना यहाँ, चलो app.js से उठा के लाते हैं।
ये है ना रिएक्ट राउटर डॉम, मैं ये लगाऊंगा यहाँ पे और इससे मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए एंड दैट इज यूज पैराम्स, सही है। अब ये मुझे यहाँ से मिलने लग जाएगा। तो मैंने ये सेटिंग तो कर ली कि यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी कैसे। अच्छा अब हम ये कर लेते हैं कि वो जो यूज़र लिस्ट है ना उस पर क्लिक पे वो जाए, ये वाली सेटिंग करनी है हमने। अच्छा ये सेटिंग कैसे होगी, ये ऐप डॉट जे एस में हमने इसी तरह किया हुआ है। क्या किया हुआ, ये लिंक है कैपिटल एल से जो है ना, ये वाला लिंक है, इसको मैंने उठाया इस लिंक को और यूज़र लिस्ट में जाके मैंने क्या किया कि जो नेविगेट भी कर सकते हैं। अब इन्होंने नए वाले में सॉरी हाँ तो ये एच रेफ ही है ना असल में, मतलब मैं क्लिक करके जा रहा हूँ ना इसके ऊपर, प्रोग्रामेटिकली तो नहीं जा रहा कि कुछ होने पे ऑटोमेटिक ले जाऊँगा। हाँ वो नेविगेट असल में उसमें होता है कि भाई अगर बंदा लॉग आउट हो गया तो उस सूरत में क्या करना है, वो हम उस पर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं वो भी लगाया था राइट, ऐप डॉट जे एस में हमने ये ना स्टेट डॉट लॉग इन अगर ऐसे हो जाए तो क्या करो। अच्छा नेविगेट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें एक्चुअली, वो क्योंकि वो राउट ही गायब हो जाता तो खुद ही आउट हो जाता है। वेल यहाँ पे मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट जो है ना लिंक ही है। तो मैं यूज़र लिस्ट पर आया और यूज़र लिस्ट पे आने के बाद ये जो डिव है ना मेरे पास, इस डिव के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये लिंक लगा दिया और इस पर मैं लिंक में इसको रैप कर दिया पूरे को मैंने, ठीक है। ये डिव हटा भी सकता हूँ मैं एक्चुअली, और टू करके जो इसको मैंने बोला कि ना टू करके क्या जाओ चैट और स्लैश और बीच में मुझे वो आईडी डालनी है, वो कैसे डालूंगा मैं, ईच यूज़र डॉट अंडर स्कोर आईडी, सही है ये आ गया। और ये क्या कर दिया मैंने, अंडर स्कोर आईडी, सही है। बल्कि इस डिव को हटा देता हूँ यार मैं, इस डिव की जगह लगा देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्चुअली डिव ही होता है, एक्चुअली डिव ही होता है ये भी। तो मैंने ये पूरा लिंक बना दिया इसको। अब देखो क्या होता है कि जब मैं आता हूँ मेरे पास, इसको क्या हुआ लिंक इज़ नॉट, अच्छा लिंक ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ, आ जाते हैं जी ऊपर लिंक इम्पोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम इधर भी नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम और यूज़र लिस्ट में मुझे क्या चाहिए, लिंक चाहिए, ये नेविगेट वगैरह नहीं चाहिए मुझे, लिंक चाहिए मुझे, सेट हो गया अब, ओके हो गया। ऊपर आईडी, द स्क्रिप्ट हैज एन अनसपोर्टेड माइम टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल, ये क्या हो गया इसको, अंडर स्कोर आई डी नहीं भेजा, भेजा तो है नहीं, वो डिस्प्ले तो करे वो, उसको तो पता नहीं। डॉम एक्सेप्शन स्कोप दिस 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 चैट विद स्क्रिप्ट एस डब्ल्यू द स्क्रिप्ट हैज एन अनसपोर्टेड, यार मुझे लग रहा है ये मैंने जो लिंक को दिया है ना टू और ऐसे करके क्लास नेम, तो ये लिंक जो है ना क्लास नेम एक्सेप्ट नहीं करता शायद, लिंक जो है ना ये क्लास नेम एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं इसको डिव ही बना देता हूँ, इसको डिव ही रहने दो, सही है। अरे अब क्या हो गया, होम स्क्रीन पे नहीं हुआ, नहीं तो होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर दे मुझे। अच्छा अब मैं वापस अगर कंट्रोल जेड करूँ, लिंक लगाऊँ इसके ऊपर, तो अब ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा वो लिंक क्योंकि इनलाइन एलिमेंट होता है तो वो एक ही लाइन में उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, ये लिंक जो होता है ना ये इनलाइन एलिमेंट होता है, सही है। तो अल्टीमेटली मुझे उसको डिव में डालना ही पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि मैं उसको, बेहतर ये है कि मैं उसको डिव अलग से बना ही दूँ। चलो भाई डिव खुश है अभी, ये बहुत खुश है अभी, ये सही है।
सही है जी। तो फाइनली कुछ इस तरह से हो गया ये। अब इसकी ये स्टाइलिंग में स्टाइलिंग है, ब्लू कर दिया इसने बिला वजह में। मैं क्लिक करता हूँ इसको तो मैं चैट की स्क्रीन पे भी आ गया और मेरे पास ये देखो उस बंदे की आईडी भी यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, तो अब ये वाली आईडी मुझे किस तरह से मिला करेगी इस चैट स्क्रीन पे आने के बाद? ये वाली आईडी मुझे ऐसे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कि अच्छा ये मुझे आईडी की स्पेलिंग मुझे यही रखनी है क्योंकि मैंने वहाँ पे यही है स्पेलिंग लगाई हुई है ना। तो वेल इसको मैं कॉन्स्ट भी कर दूँ ताकि ये चेंज ना हो सके। सही है, कॉन्स्ट कर दिया उसको मैंने। अच्छा जब मैं ये भेजूँगा ना तो ये टू के अंदर आके मैं ये आईडी लगा दूँगा। सही है, अब मैं जब भी राइट मैसेज लिख के भेजूँगा तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आईडी मुझे मिली है इस पेज के ऊपर वही मुझे मिल रही होगी। तो मैंने रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया और नेटवर्क में जाके देखूँगा तो मुझे दिखेगा कि अच्छा यार वो सेंड का बटन प्रेस किया। सेंड का बटन प्रेस करने से क्या हुआ, मैसेज की एक API कॉल हुई है और पेलोड में मेरा लिखा हुआ मैसेज और उस बंदे की आईडी गई है जिसको मैं भेजना चाह रहा हूँ टेक्स्ट मैसेज। सही है, तो यहाँ तक का मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेरा काम यानी इस स्क्रीन पे आने तक का काम मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रीन पे मैं डेटा लेकर आ चुका हूँ। अब अगला काम मेरा ये है कि सर्वर पे जाऊँ, मैसेजेस के नाम से एक कलेक्शन बनाऊँ, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें डिसाइड करके वो कलेक्शन बन जाए वंस, फिर इस नाम की एक API बनाऊँ पोस्ट मैसेज, और उस मैसेज की API में मैं एक सर्टेन अंदाज में उस मैसेज को मैं कलेक्शन में सेव करवाऊँ ताकि मैसेज जाने का प्रोसेस यहाँ से स्ट्रीमलाइन हो जाए। सही है, मैसेज जाना ये शुरू हो जाएगा। फिर उस मैसेज को रिसीव कैसे करना है उसके लिए फिर हम मज़ीद एक अच्छा, फिर जब मैसेज वो चला जाएगा तो यहाँ पे उसको डिस्प्ले भी करवाना है तो गेट ऑल मैसेजेस भी करवाऊँगा मैं कि मेरी जो इस बंदे से बात हुई है ना वो वाले सारे मैसेज मैंने हिस्ट्री में ला के दिखाने हैं। तो काफ़ी सारा काम इसमें रहता है। वंस ये हमारा मैसेज आने और जाने का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसमें चेरी ऑन द टॉप हमारा जो रियल टाइम प्रोसेसिंग है सॉकेट आयो वो उसमें लगा देंगे हम। उससे क्या होगा कि वो मैसेज रिट्रीव होने का जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म है वो पुश मैकेनिज्म पे चला जाएगा। ठीक है, एक होता है पुल मैकेनिज्म। पुल मैकेनिज्म ये होता है कि हम API कॉल करेंगे गेट ऑल मैसेजेस तो वहाँ से डेटा उठ कर आएगा। ठीक है, हम सर्वर से पुल करेंगे, पुल का मतलब होता है खींचना, रस्सी पकड़ के आप पुल कर रहे होते हैं ना, खींच रहे होते हैं आप, तो वो पुल मैकेनिज्म होता है। और पुश मैकेनिज्म में क्या होता है कि सर्वर खुद धक्का मार के भेजेगा कि जाओ फ्रंट एंड पे आप। सही है, हमें नहीं खींचना पड़ेगा यहाँ से, वो खुद आएगा हमारे पास। ठीक है, तो पुश मैकेनिज्म पे हम मूव कर देंगे। ठीक है, तो वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं आज ही इसको कंप्लीट करता लेकिन अभी हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम 30 मिनट ऊपर हो चुके हैं अपने क्लास के टाइम से। हैं नहीं तो आज कितना कुछ सीखा है तुमने यार, ये पता था? नहीं पता नहीं, असल में देखो मेरा मकसद जो है ना एक नई ऐप बनाने का मकसद ही यही था मेरा कि कुछ मज़ीद सिनेरियोज़, क्योंकि ये सिनेरियोज़ अब जैसे ये राउटिंग वाला सिनेरियो है कि भाई ये URL में डेटा रख के इधर लाना है, ये मैं बगैर सिनेरियो के कैसे पढ़ाऊँ, नहीं समझ आएगा। हाँ ये सिनेरियो जब तक नहीं बनेगा मैं ये चीज़ पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे नहीं होता ऐसे। मतलब ना होता है, हो सकता है कुछ टीचर्स हों भाई लिस्ट बना के भाई राउटिंग में ये होता है पढ़ा दिया। ठीक है, मुझसे मैं भूल जाऊंगा, मैं मुझे खुद ही नहीं याद रहेगा, मुझे तो याद ही नहीं था कि ये भी मतलब पता नहीं पढ़ाया है मैंने ये नहीं पढ़ा। तो ये सिनेरियोज़ जैसे जैसे बनते जाएंगे तो हम नई नई चीज़ें वो मेरे भी दिमाग में आती जाएंगी, मैं भी पढ़ाता जाऊँगा। और जाहिर है वो तो हमें सॉकेट पढ़ना ही है। ट्विटर की ऐप तो हमने बना ली थी ना, काफ़ी कुछ कर लिया था उसमें, तो बस अभी ये हम ये वाली को कम्प्लीट करेंगे तो ये हमारा ये मर्न स्टैक की हमारी आखिरी ऐप होगी। इसके बाद फिर हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने से पहले ये तो चलो अभी बना रहे हैं, ट्विटर के तक जितनी हमने फंक्शनैलिटी कर ली थी ट्विटर तक, लॉगिन साइन अप फॉरगेट पासवर्ड अपडेट पासवर्ड प्रोफाइल फ़ोटो और ट्वीट के अंदर फ़ोटो डाल के भेजना, फ़ोटो डाल के रिसीव करना, सही है, ये सारी जो चीज़ें पेजिनेशन इनफाइनाइट स्क्रॉल ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है ज़रूर, या तो ट्विटर की ऐप बना लो कोई सी भी बना लो, जब तक ये कम्प्लीट नहीं होगा हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ही कोशिश करना है आपने कि यार वो सब बना लो आप। ठीक है, पोर्टफोलियो हो जाएगा, कहीं किसी जगह जाके बैठोगे इंटरव्यू देने दिखाने के काम आ जाता है कि यार उसको बंदा कुछ तो यानी
आप एक साल से पढ़ रहे हो यहाँ पे ना, वो पूछेगा तो सही ना बंदा, और वैलिड सवाल है यार, एक साल से पढ़ रहे हो, कुछ तो बनाया होगा ना जिंदगी में, तो उस सवाल का फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा अगर आपने बनाया नहीं है तो। ठीक है, तो वो हाँ अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। साइक्लिक की तरफ से वो कोई एरर हो सकता है मे बी। अच्छा, किसी और के पास भी ये इशू आया कि साइक्लिक में मल्टर काम ना कर रहा हो? क्योंकि देखो उसका मल्टर का ताल्लुक पता है किससे है? साइक्लिक पे जिस जगह पे आपके सर्वर की फाइल्स स्टोर हैं, उस स्टोरेज में अगर साइक्लिक रोक देना कि नई फाइलें ऐड नहीं कर सकते, तो मल्टर आपका फेल हो जाएगा। साइक्लिक ये कर सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, हरिको नहीं करता, हरिको अलाउ करता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली साइक्लिक ये कर सकता है। हम चेक कर लेते हैं ना, मल्टर ऑन साइक्लिक, तो अगर कुछ ऐसा होगा नॉट एबल टू अपलोड, सही है, लोगों ने सवाल पूछा हुआ है। टू द बिलो इट कंटेन मल्टी पार्ट, अचानक अचानक तेज क्यों हो रहा है? लोग तो बता रहे हैं यार कि ये कंटेंट टाइप वगैरह का कोई इशू है, कह रहे हैं वो आप कंटेंट, अबे यार ये अचानक तेज हो रहा है, अचानक कम हो रहा है, ये क्या चक्कर है? ये देख रहे हो किसी ने बताया हुआ कि यार ये लगा दो, नहीं मतलब किसी ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि साइक्लिक वाले अलाउ नहीं करते, मैं असल में ये देखना चाह रहा था, किसी ने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि साइक्लिक वाले अलाउ नहीं करते, समझ रहे हो? ये जो भेज रहा है ना फैच से भेज रहा है, और फैच से भेजते हुए इसने यहाँ पे एप्लीकेशन और फॉर्म यूआरएल इनकोडेड ये तो लगाया हुआ है इसने, और सही है, इसने ये लगाया हुआ है UTF-8 कैरेक्टर, और नीचे इसको क्या बताया बंदे ने, एप्लीकेशन WWURL, यही तो लगाया हुआ है इसने। अच्छा, ट्राई रिमूविंग, कह रहा है ये रिमूव करके देखो आप। वेल, हमने तो एग्जॉस्ट से भेजा है और हम वो लगा के भेजते हैं, हमने हमने क्या लगा के भेजा था मल्टर में, ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। हम ये फ्रंट एंड से देख लेते हैं ना हमने क्या लिखा है। SRC कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट से किया था हमने, होम से ना, home.jsx, और ये सबमिट है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये हमने लिखा था। ठीक है, अच्छा ये अगर आपने देखना हो ना कि कंटेंट टाइप यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप इसको बहुत इजीली आगे देख सकते हैं पोस्टमैन से, सही है, पोस्टमैन में, क्योंकि वो API हिट करने के काम आता है। पोस्टमैन पे आपने एक नई रिक्वेस्ट बनाई, आपने कहा भाई ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, और इसका जो वो होगा ना बॉडी, अरे भाई तू तोड़ जा, इसकी जो बॉडी होगी वो होगी फॉर्म डेटा। अच्छा यार, ये इसने सही तो किया हुआ है, वो गलत लिखा हुआ था उसने, स्टैक ओवरफ्लो पर ना उसने ये लगाया हुआ था, हालांकि फॉर्म डेटा होगा, फॉर्म डेटा लिखा यहाँ पे, नेम या कोई भी माई की, और यहाँ पे माई वैल्यू, ये है ना आपका जो मतलब की वैल्यू पेयर जाता है फॉर्म डेटा के अंदर। अच्छा, फिर सेकंड में मैंने कहा कि भाई माई फाइल, और माई फाइल करके यहाँ पे मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये फाइल सिलेक्शन का तो यहाँ पे कोई वो नहीं दे रहा ऑप्शन, ये क्या बकवास है यार, होता है यहाँ पे ऑप्शन लेकिन नहीं आ रहा अभी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये जो माई फाइल है ये टेक्स्ट है या क्या है? देखो टेक्स्ट और फाइल है, फाइल में सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया। अब सेलेक्ट फाइल में मैंने ये roboto.zip करके एक फाइल पड़ी हुई थी मेरे पास, वो मैंने सेलेक्ट कर ली, और उसको मैं क्या करूँगा, सेंड का बटन दबाऊँगा मैं, तो सेंड का बटन दबाते ही क्या है, अच्छा URL ने लिखा है https://sysborg.com, ठीक है /API कुछ भी लिख दो आप URL, हमें तो जस्ट ये देखना है कि वो भेज गया रहा है। सेंड का बटन जैसे ही मैंने दबाया, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ना बता रहा है कि हेडर्स में क्या किया गया था और क्या किया वापस आया। ओ सॉरी, यहाँ नहीं ना, ये तो इधर है ऊपर हेडर्स में। इसने देखो ये लिख के भेजा है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। सही है। अच्छा, इसका कोड अगर आपको चाहिए ना, मतलब पोस्टमैन में कोड भी लिख के दे देता है ये आपको। यहाँ पे कहीं ना कोड का एक ऑप्शन बना हुआ होगा कि इसको, इसका कोड कैसे लिखा जाए। रेडीमेड कोड इन्होंने बनाया हुआ है। यार कहाँ था वो ऑप्शन, यहाँ पे कहीं था कोड करके ना, तो कोड ये रहा। तो कोड मैंने लिखा और मैंने कहा कि जावा स्क्रिप्ट नॉट जेएस रिक्वेस्ट नेटिव, फैच का ही दे रहा है ये, फैच के बारे में ही बता रहा है। तो कह रहा है भाई फैच करके इस तरह होगा, ये कोड पूरा इसने लिख कर दे दिया। तो मे बी ये वाला कोड ट्राई कर लेना। ये कह रहा है भाई इस तरह अपेंड होगा फॉर्म डेटा, इस तरह अपेंड होगा, ऐसे आप इसको बॉडी तैयार करोगे और ऐसे करके फैच के जरिए आप इसको भेज दोगे। इसमें एग्जियोस भी होना तो चाहिए। हाँ ये रहा ना नॉट जे एस एग्जियोस, ये एग्जियोस आ गया। अब एग्जियोस में इसने हेडर में क्या रख के भेजा है, गेट हेडर्स, पूरा कोड इसने बना के दे दिया। दैट्स इट यार, अगर कोड में कोई इशू है भेजने में तो इस तरह से उसको देख के ना यहाँ से हेल्प ले सकते हो। कॉन्फिग बनाया है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, यूआरएल जो मैंने लिखा है वो है, हेडर्स के अंदर ना पता नहीं डेटा में से ही इसने, अच्छा फॉर्म डेटा में से ही इसने वो निकाल लिया है गेट हेडर्स। अच्छा तरीका है शायद ये, और ये वाला तरीका करके देख लेना मे बी। मैंने ये नहीं किया कभी ट्राई, लेकिन इन्होंने लिखा है तो सही कोड होगा जब ही लिखा है यहाँ पे। फॉर्म डेटा लिख के भेज रहे थे और अच्छा, हम जो फॉर्म डेटा लिख के भेज रहे थे ना, एक चीज़ देखो और करो यहाँ पे। जब हम फॉर्म डेटा लिख के भेजते हैं ना तो उसके आगे बाउंड्री हमें बतानी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट, ये बाउंड्री ना ये खुद कैलकुलेट करता है। बाउंड्री का मतलब क्या है कि इस रिक्वेस्ट के अंदर कितने बाइट हैं टोटल, या कितने पैकेट बनने वाले हैं। जाहिर है क्योंकि वो बाइट एरे करके भेजेगा, एक एक बाइट करके भेजेगा सर्वर पे, तो सर्वर कब तक वेट करेगा, कितने बाइट आने तक का वेट सर्वर करे। सर्वर को हेडर में ये बात शुरू में ही पता चल जाती है कि भाई इसके अंदर 200 बाइट्स हैं या 400 बाइट्स हैं, तो वो 400 बाइट को रिसीव करने तक वेट करेगा। उसको वो कंपाइल, जब सारे बाइट रिसीव हो जाएंगे सर्वर उसको मर्ज करेगा, एक फाइल की शक्ल देगा और उसको स्टोरेज में वहाँ पर स्टोर कर देगा, यानी जो फाइल जहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर। अगर उसको रोक दिया उसने साइक्लिक ने कि नहीं यार आप स्टोरेज में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो वो फिर एक अलग कहानी है। अच्छा, उस केस में साइक्लिक को ये हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, साइक्लिक को या तो कॉन्सोल पे ही बताना चाहिए कि परमिशन डिनाइड है या अपडेट योर प्लान या कुछ ऐसी बात, तो उसको कंसोल में बतानी चाहिए और बताएगा ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा वो तो। सही है, चलो यार आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।